हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अरबी क्लर्क मेंस 2020 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, जो एग्ज़ाम हुआ था 20 फरवरी 2021 को। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम जो है वो लेट से हुआ था, फरवरी में देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका ही हम लोग आज पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। मैं इसमें आप लोगों को जो रीजनिंग का सेक्शन है उसे कम्प्लीट 40 क्वेश्चन जो उसका हुआ वो करवा दूंगा, और इंग्लिश मैथ्स और कंप्यूटर का कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चन को मतलब करवा दूंगा। ठीक है, सभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं आप लोगों को बस ये सिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, अरबी क्लर्क मेंस या अरबी प्योर मेंस भी, और क्या सीक्वेंस होना चाहिए आप लोगों के अटेम्प्ट का, और किस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले करना चाहिए, किस क्वेश्चन को आप लोगों को बाद में करना चाहिए, और कितना टाइम आप लोगों को किस सेक्शन में देना चाहिए, डिवोट करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल टाइम है ना, तो ओवरऑल टाइम में होता क्या है कि मतलब बहुत बार आप लोग किसी एक सेक्शन में ज़्यादा फंस जाते हैं, ज़्यादा देर लगा देते हैं, और होता क्या है कि उसके बाद से आप लोगों का जो पेपर है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। आप लोगों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों को जो पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो सबसे बेस्ट जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों का होना चाहिए कि रीजनिंग में आप लोगों को कम से कम 35 मिनट्स देना चाहिए और मैथ्स में 35 मिनट्स देना चाहिए, तो टोटल मिला के आपके पास होता है 70 मिनट्स। अब इसमें से 5 से 10 मिनट आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं उस सेक्शन में जो सेक्शन आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पर से आप लोग थोड़ा सा जो अटेम्प्ट है वो अपना बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उस सेक्शन में आप लोगों को 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहिए। अगर मान लीजिए वहाँ पर ड्यूएबल क्वेश्चंस होंगे जो आप मतलब एक्स्ट्रा 5 से 10 मिनट देंगे तो आप लोग उसे निकाल लेंगे, वहाँ से आप लोग अपना अटेम्प्ट इंक्रीज कर लेंगे या अपना स्कोर जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको मूव करना चाहिए इंग्लिश पे। सबसे पहले तो आप लोगों को मतलब रीजनिंग या मैथ्स जो भी आपका स्ट्रांग है उसे करना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को फिर मूव करना चाहिए अगला सेक्शन पे, जो कि फिर से रीजनिंग या मैथ्स होगा। मतलब जो पहले रीजनिंग करेंगे वो मैथ्स पे जाएंगे, जो मैथ्स पहले करेंगे वो दूसरी बार मतलब दूसरा जो सेक्शन उनका अटेम्प्ट करना चाहिए ना, वो रीजनिंग होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर उन्हें इंग्लिश पे जाना चाहिए। इंग्लिश को कम से कम तो उन्हें 20 से 25 मिनट मतलब देना चाहिए, और बाकी जो रेस्ट टाइम होगा ना उसमें उन्हें कम से कम तो 10 मिनट में कंप्यूटर निपट जाता है, वो काफ़ी ईजी रहता है क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात क्या ना कि कंप्यूटर के क्वेश्चन में आप लोगों को मतलब या तो आएगा या तो नहीं आएगा। जीए के साथ भी यही है कि या तो आप लोगों को वो क्वेश्चन मतलब उसका आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। आएगा तो मार्क करेंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो कंप्यूटर को मतलब इंग्लिश के बाद में करना चाहिए और जीए को जो लास्ट में करना चाहिए। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे या बहुत लोगों से सुनते होंगे कि जीए और कंप्यूटर को पहले कर दो, बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब सही तरीका नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। बिकॉज मान लीजिए अगर आपके सामने जीए जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट आ जाए या टफ आ जाए या ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ मतलब जिस तरीके से आप लोग मतलब उतना ज़्यादा पढ़े नहीं है या तो आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, या थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में आ जाए फिगर्स वगैरह के साथ, डेटा वगैरह के साथ, तो वैसे में आप लोग जो है ना वो थोड़े से पैनिक कर जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा, लो हो जाएगा। तो जब भी कॉन्फिडेंस गिरता है ना, जब भी आपका पेपर में एग्जाम में कॉन्फिडेंस गिरता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, तो आप लोगों का अटेम्प्ट भी लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो अटेम्प्ट लो हो जाता है, अटेम्प्ट लो होता है तो आपका जो है वो स्कोर लो होगा, स्कोर लो होगा तो आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर होने में थोड़ा सा परेशानी होगा, दिक्कत होगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखना चाहिए, स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमें पता चल चुका है कि हमारे सामने रीजनिंग का सेक्शन ओपन है, तो मैं रीजनिंग को ही सबसे पहले करूंगा, बिकॉज मेरा जो है वो रीजनिंग ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारा रीजनिंग है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ना कि हमें जो रफ शीट मिलता है वहां पर हम लोगों को क्या लिख लेना है ना, मतलब साइड में हम लोग लिख लेंगे कि 1 से लेके 5 नंबर पे हमें मतलब एक पजल देखने को मिला है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, कौन सा पजल है, तो यहाँ हमें बिल्डिंग दिख रहा है, फिर यहाँ फ्लोर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर मतलब 1 और 6 है। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि यहाँ हमें फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में हम लोगों को एक पजल देखने को मिला है जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना कि वो नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन को मतलब नेक्स्ट करेंगे, तो हमें दूसरा क्वेश्चन पता चलेगा कि हाँ कौन सा है। तो दूसरा क्वेश्चन को जो हमें चेंज करने का तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखिए जब हमें गिवन है, हो सकता है कि एग्जाम में गिवन ना हो कि हाँ कौन सा मतलब क्वेश्चन से लेके किस क्वेश्चन तक आप लोगों का जो है वो मतलब पजल है या क्या है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे तो आपको मतलब कम से कम 4 होता क्या है ना कि 4 क्वेश्चन का सेट या 5 क्वेश्चन का सेट जनरली पजल का देखने को मिलता ही है। ठीक है, और पीओ मेंस वगैरह के एग्जाम में जो होता है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को 3 क्वेश्चन का भी सेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को 4th क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए या 4th क्वेश्चन पे और या तो 5th पे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सिक्स क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, स्टडी द इंफॉर्मेशन कैरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वेंट टू पार्टी एट अनिल्स हाउस, ठीक है, अनिल के घर में कुछ लोग मतलब पार्टी करने के गए हैं। एवरीवन प्रेजेंट एट द पार्टी इज रिलेटेड टू अनिल इन सम वे, अनिल से मतलब उन लोगों का कोई रिलेशन है, रिश्ता है, ठीक है। अपूर्वा इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ अशोक एंड हैज थ्री चिल्ड्रन, टू डॉटर्स एंड वन सन। अच्छा, अपूर्वा जो है ना वो अशोक की मैटरनल ग्रैंड मदर है, बोलने का मतलब नानी हो गई, ठीक है, मतलब माँ के फैमिली से है, माँ की माँ, ठीक है। तो और उसके अपूर्वा की जो हो गई ना वो दो बेटी है और एक बेटा है, ठीक है। तो इसे हम लोग चले बनाते हैं, मिसलेनियस हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास टाइम थोड़ा सा जो होगा ना वो कम होगा, तो कितना हम लोग मतलब क्वेश्चन को पूरा सबसे पहले देखेंगे कि हाँ क्या क्या आया है। हम लोगों को बस पजल को स्किप करना है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क मेंस में या आरआरबी पीओ मेंस के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आईपीएस पीओ मेंस के लिए वो मैं अलग से एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए और आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो जो भी जिस तरह का मेंशन हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोच अपना रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, देखिए हम लोग को क्या गिवन था, अपूर्वा थी, अपूर्वा को हम लोग एपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये माँ हो गई तो फीमेल मतलब हो जाएंगी, इनका किसी से रिश्ता रहेगा, मतलब बोलने के मतलब कोई इनके हस्बैंड हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, अपूर्वा जो है वो अशोक की, तो इनकी जो बेटी होगी उनका किसी से शादी होगा, ये अशोक हो गया, अशोक का हमें अभी जेंडर गिवन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद दो बेटी है इसकी, तो मान लेते हैं कि एक और कोई बेटा होगा और एक बेटी होगी, या तो बेटी होगी या तो बेटा होगा, जैसा होगा हम लोग उसे वैसे बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अनिल इज द सन ऑफ अरुण, अनिल जो है वो अरुण का बेटा है, हु इज द हस्बैंड ऑफ अपूर्वा। देखिए अरुण जो है, देखिए अरुण जो है वो हस्बैंड है अपूर्वा का, अच्छा अरुण जो है वो हस्बैंड है अपूर्वा का, ये जो हो गया ना ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। और इसका जो बेटा है वो कौन है, अनिल है, तो ये सन होगा। देखिए अब अनिल अगर अरुण का बेटा है तो अपूर्वा का जब अपूर्वा के जब हस्बैंड हुआ अनिल तो उनका भी बेटा होगा ना। अब उसके बाद यहाँ पर अमित इज मैरिड टू अमन, हु इज द सन इन लॉ ऑफ अपूर्वा, अच्छा उसके बाद गिवन है अमर इज द मदर ऑफ अशोक। देखिए अशोक की जो माँ हो गई ये हो गई, तो इनका नाम जो है वो अमर है। अब उसके बाद एंड सिस्टर ऑफ अमित, अच्छा मतलब एक और जो हमारे पास नाम हो गया ये हमारा अमित हो जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन था, यहाँ अमित इज मैरिड टू अमन, हु इज द सन ऑफ अपूर्वा, अच्छा अमित के जो हस्बैंड होंगे ना इनका नाम क्या है, अमन है, ये कौन है, सन इन लॉ है अपूर्वा के, क्लियर। तो ये हमारा आई थिंक कंप्लीट हो चुका है ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, बोलने का मतलब जो इसका हम लोग जो फैमिली ट्री बनेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ अशोक इज मैरिड टू अश्विनी देन हाउ विल अश्विनी बी रिलेटेड टू अरुण, इफ अशोक इज मैरिड टू अश्विनी। अच्छा देखिए हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए अशोक को अश्विनी से हम लोग शादी करवा दिए, ठीक है, बोला कि हम लोग शादी करेंगे, ठीक है ना, अश्विनी कर देते हैं। अच्छा इफ अशोक इज मैरिड टू अश्विनी देन हाउ विल अश्विनी बी रिलेटेड टू अरुण, अच्छा देखिए सिंपल सा है, अश्विनी से अगर अशोक का शादी होगा तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसका रिलेशन क्या है, इसका जेंडर क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब जेंडर क्या है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब बता पाएंगे कि हाँ ये अरुण का क्या लगेगा। अब अरुण कौन है, अरुण जो हो गए ना वो अशोक के नाना हो गए, ठीक है, तो इनका क्या लगेगा। तो हमें अभी इसका जेंडर नहीं गिवन है, अशोक का भी गिवन नहीं है, अगर हमें अशोक का पता रहता तो अशोक का जिससे शादी होता उसका जेंडर हम लोगों के लिए इजी हो जाता पता करना, ठीक है ना, या तो मेल होता या तो फीमेल होता, बट ये गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, देख लेते हैं, देखिए सही है, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए इफ अशोक इज द सन ऑफ अमर, अशोक इज द सन ऑफ अमर, अशोक इज द सन ऑफ अमर, हाँ ठीक है मान लीजिए, देन हाउ इज ही रिलेटेड टू अनिल, अच्छा तो अनिल का ये मतलब भांजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है, हाँ भतीजा हो जाएगा ना। अब उसके बाद अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मैरिड, अच्छा इसमें से कौन सा जो पेयर है वो मैरिड है, तो अरुण अशोक नहीं, अमित अनिल नहीं, अपूर्वा अमर, अपूर्वा अमर नहीं, अपूर्वा अरुण, हाँ अपूर्वा अरुण, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, देख लीजिए
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ द ऑर्डर टू मेक, देखिए पी बड़ा होना चाहिए क्यू, डेफिनेटली हमेशा ट्रू होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी भी कंडीशन में पी हमेशा बड़ा होना चाहिए क्यू से, ठीक है। पी हमारा यहाँ गिवन है, देखिए मैं इसे लिख के बताता हूँ, पी हमारा यहाँ गिवन है, अब उसके अलावा क्यू यहाँ गिवन है, ठीक है। एक बार जब हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिख चुका है, यहाँ पे बड़ा का साइन दिख चुका है पी के तरफ फेसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसे हम लोग देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर दो ही साइन हमारा आ सकता है, ठीक है, या तो हमारा इक्वल टू आएगा, या तो हमारा ये भी आ सकता है, या तो ये भी आ सकता है। ऐसा क्यों? इक्वल टू आएगा तो भी यहाँ पर बड़ा का साइन है, तो बड़ा का साइन को हमेशा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़ा बराबर का भी साइन आ जाए, तो भी बड़ा का साइन यहाँ पे गिवन है, तो बड़ा का साइन जो है वो हमेशा मतलब सुपर होता है, बोलने का मतलब हमेशा उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बड़ा का भी साइन लगा देंगे तो बड़ा ही होगा पी हमेशा क्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है, देखिए ये तो होगा नहीं बिकॉज ये उल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये तो मतलब ये दोनों पूरी तरह से उल्टा है, ठीक है ना, क्योंकि फेस होना चाहिए पी के तरफ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये है वो आंसर बन जाएगा, ठीक है, सही है। आगे देखते हैं अगला, देखिए ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अब मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या गिवन है, व्हाट इज द कोड फॉर पंक्चुअल जूनियर्स इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को गिवन है कि 10 से लेकर 14 तक, बोलने का मतलब 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, पांच क्वेश्चन का ये सेट है। इसमें क्या गिवन है, एम्प्लॉइज आर ऑलवेज पंक्चुअल, मैनेजर्स आर ऑलवेज एप्रिशिएटेड, मैनेजर्स वर्क विथ एफिशिएंसी, जूनियर ऑलवेज एडमायर सीनियर्स। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पंक्चुअल और जूनियर्स, हमें पंक्चुअल निकालना है, पंक्चुअल कहाँ कहाँ है। देखिए इसको मैं तो मतलब डायरेक्ट मतलब स्क्रीन पे देख के ही काटने की कोशिश करता हूँ, मिलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, और मुझे दिख भी जाता है। आप लोग इसे मतलब लिख वगैरह के, लिख के भी आप लोग मतलब कर सकते हैं, कोड वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों को सबसे पहले निकालना है पंक्चुअल, पंक्चुअल कहाँ पे है भैया, तो पंक्चुअल हमारे पास बस एक ही है, ठीक है। इम्प्लॉइज है दो जगह, इम्प्लॉइज भी हमारा एक जगह है, आर है दो जगह, आर हमारा दो जगह है। इसमें से हम लोग सबसे पहले आर को निकाल लेंगे, आर हमारा क्या हो सकता है, देखिए कोई मैच यहाँ पर कर रहा है क्या, देखिए प्ला कर रहा है और सलाह कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा सलाह यहाँ भी कर रहा है, इसका मतलब हमारा प्ला जो है वो आर हो जाएगा, बिकॉज सलाह तीन जगह आ रहा है और आर दो ही जगह आ रहा है, ठीक है, तो हमारा ये प्ला हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, अच्छा पंक्चुअल, अब उसके बाद देखिए इम्प्लॉइज हो गया, आर हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑलवेज हमारा तीन जगह है, ऑलवेज हमारा क्या हो सकता है, ऑलवेज बोलने का मतलब हमारा हो जाएगा, अच्छा ऑलवेज का मतलब जो है वो हमारा सलाह हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने क्या है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल का ही हमें कोड निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर से हो सकता है कि ब्ला या कला में से हमारा कोई भी पंक्चुअल हो सकता है। अब उसके बाद हमें निकालना है जूनियर्स का भी, जूनियर्स यहाँ पे गिवन है, जूनियर सिर्फ एक ही जगह गिवन है, ठीक है, तो ऑलवेज का हमारा सलाह हो जाएगा, एडमायर हमें गिवन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद सीनियर्स का भी हमें गिवन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जो कोड बनेगा वो हो जाएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, बिकॉज हमें मतलब सही तरीके से हम लोग इसका जो कोड है ना वो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों का मतलब एक तरीके का बन रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए सही है, देखिए इफ मैनेजर्स आर सीनियर्स इज कोडेड एज ओला प्ला टला। अच्छा देखिए मैनेजर्स आर सीनियर्स, यहाँ पर हमारा सीनियर्स था, अच्छा मैनेजर्स आर सीनियर्स गिवन एज, कैसे गिवन है भैया, तो यहाँ पर हमारा मैनेजर्स है, आर भी गिवन है, आर का मतलब हमारा हो रहा था प्ला, ठीक है, देखिए प्ला जो है ना वो हमारा आर के लिए हो रहा था, ठीक है। अब उसके अलावा मैनेजर्स आर, देखिए मैनेजर्स हमारा दो जगह गिवन है, मैनेजर्स मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। मैनेजर्स का हमारा क्या हो सकता है, मैनेजर्स का हमारा हो सकता है टला, देखिए टी एल ए दो जगह मतलब ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर हमारा प्ला और टला मिल चुका है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें क्या बताना है, देखिए सीनियर्स का हमें कोड बनाना है, तो सीनियर्स का हमारे पास जब ऑलरेडी प्ला और टला गिवन है तो एक ही बचेगा ना, ओला, ठीक है, ओला, सही है। आगे देखते हैं अगला, देखिए मैं इसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस बात से मुझे टाइम लग रहा है, वरना इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब तो भैया प्री में भी आता है ना। देखिए एप्रिशिएटेड का हमें कोड बताना है, एप्रिशिएटेड हमारे पास कहाँ है, एक जगह एप्रिशिएटेड यहाँ है, ठीक है। एप्रिशिएटेड के साथ हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, सलाह का तो हमें पता है, प्ला का हमें पता है, टला का भी हमें पता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एमएलए है वो हो जाएगा हमारा एप्रिशिएटेड का कोड, क्योंकि एक ही जो है ना जो कि मतलब यहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है, एमएलए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, पंक्चुअल का हमें कोड बताना है, पंक्चुअल का हमारा जो कोड बन रहा है वो या तो ब्ला होगा या तो क्ला होगा, मतलब सीएलए होगा, ठीक है, बीएलए या सीएलए जो भी से कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था ना कि इसका हम लोगों को दो केस बन रहा था, बोलने का हमें इसका जो
कन्फर्म मतलब पता नहीं चल रहा था इसका कोड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, या तो ब्ला या तो क्ला, बोलने का मतलब एदर वन और टू, सही है। आगे देखते हैं अगला, देखिए व्हाट इज द कोड फॉर आर। आर का हमें कोड क्या पता है, सलाह, बिकॉज यहाँ पर सलाह था, यहाँ पर सलाह था, ठीक है, और यहाँ पर प्ला, देखिए आर का हमारा जो है वो प्ला हो जाएगा, प्ला यहाँ था, ठीक है, तो हमारा प्ला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, देखिए ये भी हमारा पजल है, इसमें क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 15 से लेके 19 तक हम लोग ऐसे सर्कल लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे जहां पर हम लोगों ने पहला पजल नोट किया था, इसे हम लोग को वहां पे डायरेक्ट मूव करना, जंप करना आसान होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसे हम लोग मतलब बाद में करेंगे, 15 से लेके 19 तक है, इसका मतलब हम डायरेक्ट मूव करेंगे 20 नंबर पे। देखिए फिर से हमें एक पजल देखने को मिला है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, मार्च अप्रैल, ये मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। हम लोग इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, 20 से लेके 24 तक जो क्या है, मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। आगे देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग कहाँ मूव करेंगे, 25 नंबर पे, बिकॉज 24 तक तो यही है, 25 नंबर पे करेंगे। अब उसके अलावा ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा साउथ, देखिए ये हमारा डायरेक्शन है क्वेश्चन, इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, देयर आर सिक्स पॉइंट्स पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, क्यू इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पी। अच्छा क्यू जो है वो 6 मीटर ईस्ट में है पी के, देख लेते हैं, क्यू जो है वो 6 मीटर ईस्ट में है पी के, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम लोग पी को यहाँ बनाएंगे तो क्यू जो है वो 6 मीटर ईस्ट में है पी के, ठीक है। आर इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ पी, आर जो है वो 8 मीटर साउथ में है पी के। अब उसके बाद x इज 8 मीटर टू साउथ ऑफ q, अच्छा x जो है ना वो भी सेम 8 मीटर साउथ में है q के। y इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ x, y जो है वो 8 मीटर ईस्ट में है x के, 8 मीटर ईस्ट में है x के, ठीक है। एंड z इज 10 मीटर साउथ ऑफ y, z जो है वो 10 मीटर साउथ में है y के, ठीक है, z, ठीक है ना, मतलब नीचे हो जाएगा साउथ में। अब उसके बाद क्या गिवन है, देखिए ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवार्ड्स नॉर्थ फॉर 5 मीटर, अच्छा फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 14 मीटर एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर टू रीच पॉइंट जेड। अच्छा देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग को इसे लिंक करना होगा, ठीक है ना। मैंने जो अरबी क्लर्क मेंस 2021 का जो पेपर सॉल्व करवाया है उसमें भी एक इस तरह का लिंकिंग वाला जो पेयर बनाने वाला जो होता है ना, या तो मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला जो डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है वो मैंने करवाया था। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है कि इसमें आप लोगों को दो अलग स्टेटमेंट गिवन है, उससे आप लोगों को लिंक करना होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा साइड में बनाएंगे, जो डायग्राम बनेगा ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे मतलब यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है। मान लेते हैं ए यहाँ से नॉर्थ की ओर चलता है, कितना चलता है, तो 5 मीटर चलता है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, अच्छा कोई पॉइंट है, ठीक है ना। अब उसके अलावा एंड टेक्स अ राइट टर्न, राइट मतलब नॉर्थ में रहेगा तो इधर देखेगा एंड वॉक्स फॉर 14 बोलने का मतलब मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 14 मीटर चलता है एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न बोलने का मतलब नीचे हो जाएगा राइट, ऊपर हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ठीक है। एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर टू रीच पॉइंट जेड, अच्छा अगर 5 मीटर चल जाता है तो जेड पे पहुंच जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिगर पता चल चुका होगा कि कौन सा बन रहा है, इसे हम लोग बस यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, हम लोग इसको नीचे 5 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग को 14 गिवन है, 14 आप लोगों को क्या यहाँ समझ में आ गया, अच्छा 6 है 8 है तो 14 हो रहा है, बस सिंपल हम लोगों को क्या करना है ना, इस तरीके से इतना दूर को ऐसे कनेक्ट कर देना है, मतलब ये सीधा ही है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें बनाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। अब उसके अलावा नीचे में 5 चलेगा भैया, तो नीचे में हम लोग यहाँ पर ऐसे 5 कर देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, ए यहाँ से मतलब स्टार्ट किया था चलना, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये यहाँ मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा, क्या ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 ही होगा ना, ये 10 है 5 है नहीं, देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा इतना 10 है और 5 है, ये हमारा 15 हो जाएगा यहाँ से लेके, ठीक है ना। अब उसके अलावा क्या मैंने देखे, विच वन इज अलाइक फ्रॉम द रिमेनिंग रिस्पेक्ट टू जेड, अच्छा जेड के अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है कि कौन सा मतलब सेम है जेड के, इज वन इज अलाइक, अच्छा कौन सा मतलब उससे मैच नहीं कर रहा है। तो जेड के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखेंगे, ए है ऑप्शन में, ए नहीं है, ठीक है। जेड के अकॉर्डिंग वाई देखेंगे, वाई है ऑप्शन में, हाँ वाई जो है वो हमारा नॉर्थ में है,
एक्स है, एक्स हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। क्यू हमारा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है। पी हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। आर हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए आंसर वो होना चाहिए वाई, बिकॉज ये नॉर्थ में है, बाकी सब हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो ये होना चाहिए, देख लेते हैं। चले सही है, आगे देखते हैं अगला। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज इनिशियल पोजिशन एंड पॉइंट पी। अच्छा, पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या बताना है ना, कि मान लीजिए ये ऐसे पांच चलेगा, पंद्रह हो जाएगा तो बीस हो जाएगा, आठ हो जाएगा, अट्ठाईस मीटर हो जाएगा। सही है, आगे देखते हैं अगला। इन विच डायरेक्शन इज एज फाइनल पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजिशन। अच्छा, ए का जो फाइनल पोजिशन है वो कहाँ है, ए का जो फाइनल पोजिशन है ना वो यहाँ पे आके, देख यहाँ पे आके रुक गया था, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया था, बिकॉज यहाँ से चला, यहाँ आके रुक गया। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होना जाना चाहिए हमारा, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। चले सही है, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है डायरेक्शन का, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। स्क्रीन को मैं डिलीट कर देता हूँ। हाउ मेनी सच पेयर आर देयर इन द नंबर इतना, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी डिजिट्स बिटवीन देम इन द वर्ड, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोगों को बताना है मतलब कौन सा पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिख लेंगे जल्दी से, देखिए लिख के करेंगे। वैसे आप लोगों को मतलब इसी से मैं कर सकता था, बट जैसे आप लोग एग्जाम में करेंगे ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरीके से आप लोगों को करवाऊँ। 4695728452 3, ठीक है ना, 4695728472 8 4 और 523, ठीक है। देखिए 4 5 6 7 8, नहीं कोई नहीं मिल रहा है, 6 4 नीचे नहीं जाएगा, 6 7 8 9 10 कोई नहीं मिल रहा है, 9 से नीचे नहीं जाएगा, 9 से ऊपर मतलब कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। 5 6 7 8 नहीं, 5 6 7 8 एक हमारा मैच कर चुका है, ये जो है ना ये हमारा मतलब एक पेयर बन रहा है। अब उसके अलावा कोई और नहीं बन रहा है। 7 8 9 हमारा दो बन गया, दो बन गया। अब उसके बाद इधर कोई नहीं जाएगा। अब उसके अलावा 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 तीन बन गया, तीन बन गया, ठीक है। अब उसके अलावा इधर चलते हैं, 2 3 4 और 5 भी है, तो क्या हमारा 4 और 1 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हमारा मतलब इधर देखते हैं 8 से 9 तक यहाँ कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, इधर भी कोई बड़ा नहीं है, छोड़ देंगे इसे। अब उसके बाद 4 से देखते हैं, 4 5 6 7 क्या 6 बन गया, 6 पेयर हमारा बन गया। 8 9 क्या हमारा 7 पेयर बन गया, 7 पेयर बन गया, ठीक है। अब उसके अलावा एक चीज़ आप देख लीजिए, जब ऑलरेडी हमारे पास 7 पेयर बन चुका है और ऑप्शन में हमारा मोर देन 6 ही गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को मतलब मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए सही है, आगे देखते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ स्क्रीन को, है ना। देखिए देयर आर 11 बॉक्सेस। अच्छा, ये बॉक्स वाला पजल है हमारा, ठीक है, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। 29 से लेकर 33 तक जो क्या है वो बॉक्स का पजल है भैया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, बिकॉज 33 तक जो है ना वो हमारा बॉक्स वाला पजल ही है, 34 पे चलेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखिए देयर आर 4 वर्ड्स गिवन इन ईच ऑप्शन। अच्छा, चारों ऑप्शन में से 4 वर्ड्स गिवन है, ठीक है, सर्टेन लॉजिक। अच्छा, इफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ईच वर्ड। अच्छा, ईच लेटर, देखिए ईच वर्ड जो है ना मतलब ये रॉकी, कैनल, रोएट, मनेर जो भी हो गया, ठीक है, इसका जो थर्ड लेटर होगा लेफ्ट से, लेफ्ट बोलने का मतलब आर ओ के, ठीक है, तो टेकन अ मीनिंगफुल वर्ड। अच्छा, अगर इसे हम लोग मतलब निकालेंगे तो क्या इसे कोई मीनिंगफुल वर्ड हमारा फॉर्म्ड होगा, ठीक है। फाइंड द ओल्ड वन विच डज नॉट फॉलो द सेम पैटर्न। अच्छा, किससे मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो फॉर्म नहीं होगा, इसमें हम लोग को ये सिक्वेंस निकालना है, ठीक है, देख लेते हैं। इससे हम लोग के निकालेंगे, के हो गया, इससे हम लोग फिर एन निकालेंगे, इससे हम लोग ई निकालेंगे, ई हो गया, इससे हम लोग ई निकालेंगे, ये हमारा घुटना हो गया, ये हमारा बन रहा है एक, ठीक है। अब उसके बाद इससे हम लोग डी निकालेंगे, इससे हम लोग ओ निकालेंगे, इससे हम लोग ओ निकालेंगे, इससे हम लोग आर निकालेंगे, ये हमारा डोर बन चुका है, दो हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा इससे हम लोग आर निकालेंगे, इससे हम लोग ओ निकालेंगे, इससे हम लोग एस निकालेंगे, इससे हम लोग ई निकालेंगे। चलिए ये मतलब डायरेक्ट सिक्वेंस में ही गिवन ही है, ठीक है, तो ये हमारा 3 बन चुका है। अब उसके बाद इसमें हम लोग एम निकालेंगे, इसमें हम लोग ओ निकालेंगे, इसमें हम लोग एस निकालेंगे, इसमें हम लोग टी निकालेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट मतलब ये हमारा बन रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा मतलब 4 हो गया।
अब उसके बाद ये क्या गिवन है, इसमें हम लोग ओ निकालेंगे, इसमें हम लोग ओ निकालेंगे, इसमें हम लोग टी निकालेंगे, इसमें हम लोग टी निकालेंगे, टूट ओ टी ओ टी टी टूट ओटो टोटो नहीं, देखिए ये हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यही हमारा जो है ना वो हमारा मतलब इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं मार्क करके, चले सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, स्क्रीन को मुझे मिटाना पड़ेगा। देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, इफ इस वॉवेल ऑफ द वर्ड ग्रेहाउंड इज चेंज टू प्रीवियस लेटर एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड इच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, अच्छा तो इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज देन इन न्यू अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड, कौन सा लेटर जो है वो रिपीट होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले इसे क्या करेंगे ना कि जो कॉन्सोनेंट है उसका नेक्स्ट लेटर लेना है और जो वॉवेल है उसका प्रीवियस लेटर लेना है, ठीक है। तो जी का आगे क्या हो जाएगा, जी का हो जाता है एच, ठीक है, ई एफ जी एच होता है ना, ठीक है। अब उसका क्या हो जाएगा हमारा आर का मतलब आर एस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों का ए है, तो ए का हो जाएगा जो प्रीवियस वो होता है जेड, ठीक है। वाई का क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा फिर से जेड। अब उसके बाद एच का क्या होता है, जी एच आई होता है हमारा, ठीक है। ओ ओ का क्या होता है नीचे, एम एन ओ एन हो जाएगा। यू का क्या होता है, एस टी यू टी हो जाएगा। अब उसके अलावा एन का क्या होता है, एन का हमारा हो जाता है एम एन ओ ओ हो जाएगा, ठीक है। अब उसका डी का क्या होता है, डी का हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोगों को बताना होगा कि कौन सा जो है वो सेम है मतलब रिपीट हो रहा है। तो बस हमारे पास यही लेटर रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही लेटर जो है रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। देख लेते हैं मार्क करके, चले सही है। आगे देखते हैं अगला, स्क्रीन को मैं पहले मिटाता हूँ। ये हमारा जो पजल है इसमें क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स दे आर ऑल इन द 3 डिफरेंट ब्रांचेस, अच्छा ये जो कैटेगरी बेस्ड पजल होता है ना, तो ये वही है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस तरीके से हम लोग नोट कर लेंगे कि क्या कर लेंगे, 36 ले लें, देखें 36 लेके 40 तक जो है ना वो मतलब लास्ट में ही है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग को क्या है, कैटेगरी बेस्ड या तो डायरेक्ट पजल ऐसे लिखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे उस पजल को करने का। देखिए मिसलेनियस हम लोग सारा कर चुके हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सारे पजल्स को करें जो हम लोग मतलब जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो मैं इसे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज मैं तो सब में स्ट्रांग हूँ, ठीक है ना। आपको अपने अकॉर्डिंग से चूज करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करेंगे। देखिए ये क्या बोल रहा था, ये हमारे पास इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या गिवन है कि 6 फ्लोर है, ग्राउंड नंबर जो है वो ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और ये 6 है, ठीक है। तो इसे हम लोग सबसे पहले कैसे बनाएंगे, इसे हम लोग मतलब ऐसे बना लेंगे, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हम लोग को एक इसमें डिफरेंट कलर्स गिवन है, तो इसे हम लोग दो पॉसिबिलिटी में तो हमेशा लेके चलेंगे, मैं हर पजल को है ना प्री हो या मेंस हो दो पॉसिबिलिटी में हमेशा मतलब लेके चलता हूँ, ठीक है। इसे मतलब मैं अगर जहां पे फंसता हूँ ना तो मुझे टाइम नहीं लगता है दूसरा कंडीशन में तुरंत सेट करने में, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, ये सब कलर है, ठीक है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखिए आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। देखिए आर अगर हमारा टॉप पे नहीं रहता है, मतलब आर अगर यहाँ नहीं रहेगा तो या तो हमारा आर यहाँ रहेगा या तो हमारा आर जो है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। दो कंडीशन हमारा हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, the person who likes blue color lives at least above two floors, अच्छा जो ब्लू कलर लाइक करता है ना वो कम से कम तो दो फ्लोर ऊपर रहता है, ठीक है। तो अभी हमें गिवन नहीं है बट इसमें हम लोग चाहे ना तो खेल सकते हैं, बिकॉज दो कंडीशन है, एक कंडीशन हम लोग और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि दो फ्लोर है, बोलने का मतलब एक बार यहाँ हो जाएगा ब्लू वाला और इसके अकॉर्डिंग भी एटलीस्ट टू फ्लोर, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि the person likes blue color lives at least two above two floors, ठीक है। There are three persons living in between the one who likes yellow and the one who likes green. S lives on the lower most floor and likes green. देखिए ये हमें given है कि green हमारा S पे आएगा, green हमारा S पे आएगा, S lower पे रहता है, ठीक है। और three floor है, देखिए there are three floors living between the one who likes yellow, अच्छा yellow और green के बीच में तीन है, तो एक दो तीन क्या हमारा यहाँ yellow हो जाएगा, क्या हमारा एक दो तीन क्या हमारा यहाँ येल्लो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आगे, द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर, अच्छा मान लेते हैं, अच्छा हाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग को व्हाइट यही आएगा, इसके अकॉर्डिंग भी व्हाइट हमारा यही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, अच्छा पी एंड क्यू लिव अबव फोर्थ फ्लोर,
अच्छा तो P और Q जो है वो अब फोर्थ फ्लोर पे है, या तो PQ यहाँ होगा या तो QP यहाँ होगा, इसमें भी या तो PQ यहाँ होगा या तो QP यहाँ होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन लाइक्स रेड कलर। अच्छा तो मतलब रेड हमारा यहाँ हो जाएगा, रेड हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर लिव्स इमीडिएटली द वन हु लाइक्स ब्लू कलर, एक ही जगह है हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा ब्लैक ना, हाँ ब्लैक कलर, ठीक है। देखिए ये हमारा ब्लैक कलर है, तो इसमें हमारा ये जो है वो ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, द वन हु लाइक्स, ठीक है, यू डज नॉट लाइक ब्लू कलर, यू को ब्लू पसंद नहीं है, तो क्या हमारे पास एक ही नाम बचा है, ये यू को ब्लैक पसंद हो सकता है, यू को अगर ब्लू पसंद नहीं है इसके अकॉर्डिंग यू को हमारा व्हाइट पसंद हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या, नो पर्सन लिव बिटवीन टी एंड आर। अच्छा तो इसका मतलब एक बार में टी यहाँ हो जाएगा, इसमें हमारा टी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एदर वन और टू पर्सन लिव बिटवीन यू एंड एस। अच्छा यू और एस के बीच में एदर वन और टू पर्सन, इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो हमारा गलत हो रहा है, बिकॉज इसमें यू और एस के बीच में एक बंदा भी नहीं आ रहा है, बट एक कम से कम आना चाहिए या तो दो आना चाहिए, एदर वन और टू, तो ये हमारा जो है वो गलत हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही बैठ रहा है, आप देखते हैं। अब उसके अलावा क्यू डज नॉट लाइक रेड कलर, देखिए क्यू को रेड अगर पसंद नहीं है तो क्या हमारा पी ही रेड लाइक करेगा, और क्यू को हमारा हो जाएगा, क्यू जो है ना उसको हमारा जो है वो येलो पसंद होगा, ठीक है। ये पजल हमारा सॉल्व हो चुका है, देख लेते हैं इसका आंसर। विच कलर इज लाइक्ड बाय क्यू, तो क्यू क्या लाइक करता है, क्यू लाइक करता है येलो को, सही है। आगे देखते हैं अगला, विच पर्सन इज रिलेटेड टू क्यू इन द सेम एज पी इज रिलेटेड टू यू, ठीक है, पी से रिलेटेड है यू, अच्छा तो क्यू से कौन सा रिलेटेड है, तो क्यू से टी रिलेटेड होगा, तो क्यू से यहाँ हमारा टी रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे देखे एक और चीज गिवन है, द वन हु लाइक्स ब्लू, अच्छा तो ब्लू भी तो टी को पसंद है, तो ये भी हमारा हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग बोथ वन एंड थ्री, बोथ वन एंड थ्री, वन और थ्री, हाँ देखे ये हमारा जो है वो सही हो गया, देखे सही है, ठीक है। इस तरीके में अगर मान लीजिए आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ देखे प्रीवियस में, अगर मान लीजिए आप लोग सिर्फ इसमें टी कर देते या तो वन हु लाइक्स ब्लू कर देते, तो आपका ये जो है वो गलत हो जाता, सही पजल बनाने के बावजूद गलत हो जाता, ठीक है। तो ये आप लोगों को छोटा छोटा जो है सिली मिस्टेक से बचना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे कौन है भैया, तो थर्ड फ्लोर पे हमारा जो है वो टी रहता है और जो ब्लू कलर को लाइक करता है, ठीक है, तो टी गिवन है नहीं, जो ब्लू कलर को लाइक करता है बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, हु लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के ऊपर में कौन रहता है जस्ट, तो क्यू रहता है और येलो वाला रहता है, देखिए क्यू रहता है, देखिए बोथ थ्री एंड फोर, क्यू रहता है और जो पर्सन हु लाइक्स येलो, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर्स ऑन विच टी एंड आर लिव्स, टी और आर का जो सम है वो क्या है, थ्री और टू, फाइव हो जाएगा क्या, चलिए सही है। आगे देखते हैं अगला, देखिए वो जो हमारा पजल है वो सॉल्व हो चुका है, इसको अब हम लोग जल्दी से डिलीट करते हैं स्क्रीन को, आगे बढ़ते हैं अगले पजल पे, ठीक है। कौन सा हमारे पास अब पजल का, ये तो मुझे फिर मतलब चेंज करके देखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो याद नहीं है ना, दस पे नहीं था, दस पे था नहीं, दस पे नहीं था, छः पे था, छः पे नहीं था, सात पे था, आठ पे था नहीं था, बारह पे, तेरह पे, चौदह पे, अच्छा पंद्रह पे हमारा पजल था। देखिए ये क्या बोल रहा है, अच्छा सर्कुलर टेबल वाला पजल है, चलिए इसे हम जल्दी से उड़ाते हैं, देखिए समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, वरना इसको सिर्फ बनाना होता ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या, देखिए ये मतलब क्या बोल रहा है कि हाँ सर्कुलर टेबल पे है, नाइन बंदा है, फाइव पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड, पांच लोग बाहर देख रहा है, और फोर आर फेसिंग इनसाइड, ठीक है गिवन है, कितना क्लियर है ये गिवन, नॉट मोर देन टू पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, अच्छा दो लोग मतलब एक डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे, दो लोग से मतलब ज़्यादा जो हो गया ना वो एक डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, ठीक है। एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए हु इज फेसिंग इनसाइड, अच्छा चलिए इसमें हम लोग को एफ यहाँ गिवन है, एफ यहाँ गिवन है, एफ यहाँ गिवन है, देखिए मैं तभी कंडीशन को नोट करता हूँ ना जब मुझे लगता है कि हाँ ये डायरेक्ट बैठेगा नहीं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सेट नहीं करेगा, वरना मैं बेकार का इसे मतलब नोट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं उसमें ही बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज नोट करने से मुझे लगता है ना कि एक्स्ट्रा टाइम मेरा जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये है, अगर आप लोग पहले नोट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर से पजल को पढ़ा ना पड़े, तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है, थोड़ा समय से नीचे इस बार बनाऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आठ लोग, ये हो गया नौ लोग, इसमें हम लोग यहाँ करेंगे, ये हो गया आठ लोग, ये हो गया नौ लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा, कि देखिए एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए हु इज फेसिंग इनसाइड, अच्छा
थर्ड टू द राइट ऑफ ए हु इज फेसिंग इनसाइड, ए यहाँ फेस करता है इनसाइड, थर्ड टू द राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ हमारा एप हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा फेस करता है इनसाइड फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ हमारा एप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में तीन लोग बैठते हैं। एक बार हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ, एक दो तीन, एक बार हम लोग ई को यहाँ कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ एक दो तीन, ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोल रहा है हमारे पास, बी एंड जी आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे, इसे नोट करना पड़ेगा मुझे, बी और जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अच्छा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किस कंडीशन में होगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अब ऐसे होगा मतलब मुझे हम लोगों को पता चलेगा ना, अगर ये इधर देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, अगर ये इधर देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, या वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब ये मैं नोट कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाता है ना यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये। अब उसके बाद क्या बोल रहा है ये, लेफ्ट, ठीक है, सी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एच है। एंड अच्छा देखिए, थर्ड टू द राइट ऑफ एच हु इज वन ऑफ द नेबर्स ऑफ ए, ए, अच्छा एक बार अगर हमारे पास इधर ई गिवन है तो क्या हमारा एच यहाँ आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, एच इज नॉट फेसिंग आउटसाइड। देखिए कितना गिवन है, एच जो है वो नॉट फेसिंग आउटसाइड है, मतलब अंदर देखेगा तो सी इसका थर्ड टू द राइट में हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ हमारा सी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर एच को लेंगे, अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार इसमें इधर से लेके देखते हैं, ठीक है ना, एच को यहाँ लेके देखते हैं, इनसाइड है फेसिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, अगर इसमें एक और कंडीशन लेना होगा तो मैं उसके बाद लूंगा, मतलब एक और कंडीशन बोलने का मतलब एक और पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, अगर ये दोनों में से कुछ गलत हो जाएगा तो। अब उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए 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 देखिए, एच इज नॉट फेसिंग आउटसाइड हो गया, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड आई हु इज एडजेसेंट टू सी, अच्छा इस डी एंड आई, अच्छा आई यहाँ पे हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आई यहाँ पे हो जाएगा, डी और आई के बीच में दो लोग बैठते हैं, ठीक है, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड आई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इधर नहीं आएगा एक दो, अच्छा एक दो यहाँ हमारा डी आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा आई यहाँ है तो इधर नहीं आएगा, तो एक दो हमारा डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, ई इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू बी, मतलब कि यहाँ पर बी नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही प्लेस है, ई यहाँ पे मतलब बी नहीं आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही प्लेस है, यहाँ पे बी आ सकता है, ठीक है। अब मतलब एडजेसेंट नहीं होगा, मतलब बगल में नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एडजेसेंट टू बी, बी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच, बी जो है ए का इमीडिएट नेबर है, ई हु, अच्छा देखिए ई हु इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू बी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच, अच्छा ई जो है वो एच का इमीडिएट नेबर है, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है, ये हमारा कंडीशन जो है वो सही हो रहा है, बिकॉज ई जो है इमीडिएट नेबर है ए का, ठीक है, और बी जो है वो ई के एडजेसेंट में नहीं है, बगल में नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है, अच्छा एफ अगर सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या बन सकता है, अच्छा वाइल टू द राइट ऑफ डी, अच्छा वाइल टू द राइट ऑफ डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अच्छा देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर राइट में डी के होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा, अगर डी मतलब आउटसाइड देख रहा है तभी ना एफ उसके राइट में होगा, और सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, अच्छा सी के अगर इमीडिएट लेफ्ट में कब होगा, जब हम लोग को पता है कि सी भी आउटसाइड देखेगा तभी इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर और कुछ गिवन है क्या, नहीं। अब हम लोग इसका मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, ये अगर दो हो गया तो क्या यहाँ हमारा दूसरा, देखिए इसमें हमारे पास अभी गिवन नहीं है, एफ का कुछ फेसिंग वगैरह गिवन है क्या, एफ का कुछ फेसिंग गिवन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बी एंड जी आर सिटिंग, अच्छा बी और जी जो है हमारा मतलब देखिए जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, ये एक दूसरे के इमीडिएट मतलब लेफ्ट में है, तो बी के इमीडिएट में लेफ्ट जी कब होगा, जब बी आउटसाइड देखेगा, और जी जब इनसाइड देखेगा ना तभी बी जो हो जाएगा वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या मिल चुका है, देखिए दो कंडीशन ये हो गया, दो मतलब दो आउटसाइड देख रहा है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा इनसाइड देखेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हमारा दो आउटसाइड देख रहा है, इधर भी अगर इनसाइड देख रहा है, अब यहाँ पर देखिए आई है, आई मतलब देखिए आई तो मुझे पक्का कन्फर्म है कि ये मतलब ये इसी तरीके से होगा, आई हमारा नीचे देखेगा, ठीक है। देखिए ई भी हमारा जो है ना वो आउटसाइड फेस करेगा, बिकॉज ये दोनों तो इनसाइड फेस कर रहा है ना, ठीक है, तो ये हमारा जो पजल है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, फोर ऑफ देम बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप एंड फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, एफ हमारा सबसे पहले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब कि कौन सा इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है, ठीक है,
तो एफ किधर देख रहा है, एफ मतलब इनसाइड देख रहा है। अब उसके अलावा एच किधर देख रहा है, एच भी हमारा जो है वो इनसाइड देख रहा है। जी किधर देख रहा है, जी हमारा इनसाइड देख रहा है। अच्छा हम लोग को समझ में आ चुका है क्या हो रहा है यहाँ पे। ए किधर देख रहा है, ए हमारा इनसाइड देख रहा है। डी किधर देख रहा है, डी आउटसाइड देख रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला। इफ सी एंड बी एक्सचेंज देयर पोजिशन, सी और बी अगर अपना पोजिशन एक्सचेंज कर लेगा। अच्छा हु विल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा अगर मान लीजिए सी हो जाएगा बी के जगह पे, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी कौन हो जाएगा। बोलने का मतलब अगर बाहर देख रहा है सी, तो सी यहाँ हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एच हो जाएगा क्या, एच हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं अगला। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आई। आई के थर्ड टू द राइट में जो है उसके सेकंड टू द राइट में कौन है, आई के थर्ड टू द राइट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इसके सेकंड टू द राइट में कौन है, तो बी है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं अगला। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ किधर देख रहा है, इधर देख रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड आई हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं अगला। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए इधर देख रहा है, इमीडिएट राइट में हमारा आई हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला। तो देखिए ये जो हमारा पजल था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था बट ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही मुझे इसे समझाना था वरना मैं बनाता ना तो थोड़ा सा और फोकस मेरे अंदर रहता और मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर लेता, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है हमारा जो ये पजल है, हम लोग जल्दी से इसे बनाने की कोशिश करेंगे। सिक्स पीपुल ए बी सी डी ई बॉर्न ऑन एदर 17-28 मार्च, ठीक है, अप्रैल मई ऑफ द सेम ईयर। अच्छा हम लोग सबसे पहले इसे इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर हम लोग को दो कंडीशन लेना होगा क्या, देखे हाँ वेरिएबल के साथ है, मतलब यहाँ कोलकाता की बहन है, मतलब कि ये लोग जो है ना कहीं किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं। अच्छा ए बिलोंग टू दिल्ली, देखिए ये हमारा वेरिएबल बजल है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे मार्च हो जाएगा ना, मार्च 17-28, अप्रैल 17-28, मई 17 और 28, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे, एक बार जो बंदा है वो हो जाएगा, एक बार जहां से वो बिलोंग करता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग मार्च कितने दिनों का होता है, तो 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, और ये हमारा 31 का होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जल्दी से, यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ए बिलोंग टू दिल्ली एंड वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। अच्छा ए को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक बार हम लोग ए को यहाँ लिख लेंगे अप्रैल में, दिल्ली का रहता है, डी एल मतलब आप लोग समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखूंगा ए दिल्ली। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, नेदर बी नॉट डी बिलोंग्स टू कोलकाता, ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे करके बी और डी कोलकाता नहीं रहता है, ठीक है। अब उसके अलावा टू पीपुल वेयर बॉर्न बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड अदर बी और डी। अच्छा बी और डी और टू पीपुल बिटवीन दिल्ली। अच्छा देखिए एक बात बताइए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दो, क्या इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का मतलब या तो बी या डी यहाँ हो जाएगा, देख लेते हैं डी या तो बी। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का ऊपर हो जाएगा या तो बी या तो डी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए ये हमारा यहाँ तक हो चुका है, है ना, ई वॉज बॉर्न आफ्टर बी बट नॉट इमिजिएटली। अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का बी यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज बी के बाद में ई आता है, ठीक है, बट नॉट इमिजिएटली। तो नॉट इमिजिएटली के अकॉर्डिंग आप लोग एक चीज देखेंगे ना, तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि या तो हमारा बी यहाँ आ सकता है, देखिए या तो हमारा एक बार जो बी है वो यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर ई यहाँ, अगर बी यहाँ पे आता तो ई यहाँ पे आता तो इमिजिएटली नहीं हो सकता, बट हम लोगों को बी के बाद में ई चाहिए, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग मान लीजिए बी को या तो यहाँ लिखते हैं या तो यहाँ लिखते हैं, तो ये हमारा यहाँ नीचे कहीं भी आ सकता है, ठीक है, बट ई हमारा यहाँ जो है वो नहीं आ सकता है बिकॉज नॉट इमिजिएटली है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग इमिजिएटली नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसे अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसे अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। डी वॉज नॉट बॉर्न इन अप्रैल। अच्छा डी जो है वो अप्रैल में बॉर्न नहीं होता है, तो मतलब डी जो है वो यहाँ पे कहीं नहीं आएगा इन दोनों डेट में। अब उसके बाद सी वॉज नेदर बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज नॉट बिलोंग्स टू कोलकाता। इसका मतलब सी जो है वो हमारा क्या ए के साथ में आ जाएगा अप्रैल में, जो 30 दिनों का है, ठीक है, क्या हमारा सी यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, और ये कोलकाता से बिलोंग नहीं करता है, तो सी कोलकाता नहीं रहता है। अब उसके बाद देखिए ई डज नॉट बिलोंग टू मुंबई,
ई जो है ना वो मुंबई नहीं रहता है, ठीक है। अब उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज। अच्छा, जो 31 डेज वाला है कोलकाता, कहीं उसी में आ जाएगा, 31 वाला हो जाएगा हमारा कोलकाता। अब उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई वॉज बॉर्न ऑन एन इवेंट डेट। अच्छा, मुंबई वाला जो है वो इवेंट डेट पे बॉर्न होता है। तो हमारे पास जो इवेंट डेट है ना वो अभी 3 है, तो इसे अभी हम लोग छोड़ देंगे थोड़ा सा, बस इतना लिख लेंगे कि मुंबई और 28 लिख लेंगे, इवेंट वही हो जाएगा ना हमारे अकॉर्डिंग। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए एंड ई वेयर बॉर्न एडजेसेंट मंथ। अच्छा, ए और ई जो है वो एडजेसेंट मंथ में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा ई यहाँ हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा ई हो रहा है यहाँ, लेकिन ई हमारे यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज बी के इमीडिएट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द वन हू बिलोंग्स टू मुंबई वॉज बॉर्न, ठीक है, ए एंड ई वी आर बॉर्न इन द एडजेसेंट मंथ बट नॉट बट ऑन डिफरेंट डेट्स। हाँ, तो डिफरेंट डेट है, एक बार 28 को है और एक बार हमारा ई है जो 17 को है, ठीक है, सही है, ये हो चुका है। अच्छा नहीं, ये यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद द वन हू बिलोंग्स टू चेन्नई, अच्छा द वन हू बिलोंग्स टू चेन्नई एंड सी वॉज बॉर्न ऑन द सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ्स। अच्छा, चेन्नई और सी जो है वो सेम डेट को बॉर्न ऑन सेम डेट बट डिफरेंट मंथ्स। हाँ ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी अप्रैल में तो सी आ चुका है ना, तो इसका मतलब सेम डेट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का सेम डेट कौन सा हो सकता है, क्या हमारा सेम डेट है जो, देखिए या तो हमारा बी हो सकता है, बी हो सकता है चेन्नई का, ठीक है, या तो हमारा ई हो सकता है चेन्नई का, ठीक है, यहाँ हम लोग ऐसे अभी चेन्नई साइड में लिख लेंगे, या तो ई को हम लोग ऐसे चेन्नई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एफ वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बी। अच्छा, तो बी के बाद हमारा एफ आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ डी आ जाएगा, डी यहाँ से उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, कुछ हमें डी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन था क्या, डी वॉज नॉट बॉर्न, हाँ सही है सर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बी, हाँ ठीक है, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द वन हु वॉज बॉर्न इन चेन्नई। अच्छा, आफ्टर द वन हु वॉज बॉर्न इन चेन्नई, अच्छा तो मतलब कि चेन्नई और मुंबई एक साथ आएगा। द वन हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। अच्छा, सी का हमें पता चल चुका है कि सी का जो है वो हमारा बेंगलुरु आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद या तो बी में चेन्नई आ सकता है और एफ में बेंगलोर वो मुंबई आ सकता है, या तो ई में चेन्नई आ सकता है और डी में बेंगलोर आ सकता है, डी में चेन्नई, क्या होता है यार, चेन्नई था और अच्छा डी में हमारा चेन्नई आ सकता है, डी ई रुके चेन्नई और मुंबई, ई में हमारा चेन्नई आ सकता है और डी में हमारा मुंबई आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्टी डेज, ठीक है, बेंगलुरु 30 डेज, टू पीपुल वी आर बॉर्न बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता। अच्छा, ई एंड द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता, टू पीपुल, अच्छा देखिए हमें पता है कि बी और डी कोलकाता में नहीं आएगा, इसका मतलब ई और एफ हमारा जो है वो कोलकाता का हो जाएगा, ठीक है। अब एफ जब कोलकाता का हो जाएगा तो हमें पता है कि चेन्नई के नीचे मुंबई आ जाएगा, तो चेन्नई हमारा यही हो जाएगा, मुंबई हमारा यही हो जाएगा, एक और हमारे पास कोई जगह बचेगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी भैया कहाँ हो जाएगा, इसे हम लोग थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हैं। वन पर्सन वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। अच्छा देखिए, ई एंड देखिए टू पीपल वर बॉर्न बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता। अच्छा, तो ये हमारा हो चुका है ना, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हैदराबाद में हमारा जो है वो बी आ जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। हमारा ये पजल जो है वो सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा ट्रिकी था बट ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब मेंस का है तो हल्का सा तो ट्रिकी रहेगा ना, वैसे देखा जाए तो इजी ही था। इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू है, 17 अप्रैल ए दिल्ली, 17 अप्रैल को ए दिल्ली है, नहीं गलत है, 17 मार्च को बी हैदराबाद है, 17 मार्च को बी हैदराबाद है, सही बात है, ठीक है, 17 मार्च को बी हैदराबाद है, 28 मई को डी कोलकाता है, 28 मई को डी कोलकाता है, नहीं 28 मई को डी कोलकाता नहीं, देखा हमारे पास मतलब हैदराबाद वाला ही मैच कर रहा है, 28 मार्च चेन्नई नहीं है, ठीक है, यही आंसर सही है हमारा। आगे देखते हैं अगला, हु वाज बॉर्न ऑन 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को भैया कौन जन्म लेता है, 17 अप्रैल को हमारा सी लेता है। अब उसके बाद हु बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद से कौन, तो बी है भैया। अब उसके बाद हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई,
अच्छा एफ यहाँ है और चेन्नई यहाँ है, तो एक दो टू। आगे देखते हैं अगला, हु बिलोंग्स टू कोलकाता, कोलकाता से कौन है, तो कोलकाता से एफ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला, कहाँ गया, अच्छा वो हमारा मतलब पजल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस किट को मैं डिलीट करता हूँ। अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पजल पे। कौन सा पजल है नेक्स्ट, यहाँ पे तो नहीं है, अच्छा ये हमारा बॉक्स पेट पजल, ठीक है, इसे हम लोग बनाएंगे जल्दी से। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देयर आर 11 बॉक्सेस, अच्छा 11 बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 इज ऑन द बॉटम एंड बॉक्स नंबर 11 इज ऑन द टॉप, ठीक है। एस इज इन द फोर्थ स्टैक्स, अच्छा फोर्थ में अगर हमें एस का पोजीशन गिवन है तो इसे हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में करेंगे, बॉक्स बना के ही मतलब स्टैक को बना के ही करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 11, यहाँ हमारा हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। कोई और हमारा इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग बस दो पॉसिबिलिटी में इसको उड़ा देंगे। एस हमारा फोर्थ पे था ना, देखिए एस जो है वो हमारा फोर्थ पे है, ठीक है, एस हमारा फोर्थ पे है, फोर्थ हमारा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब उसके बाद क्या गिवन है, बी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव जे, अच्छा बी जो है वो जे के इमीडिएट अबव है। अब उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जे आर वन मोर देन अबव मोर देन द बॉक्स अबव बी, अच्छा बी के ऊपर जितना है अबव बी, बी के ऊपर जितना है तो जे के नीचे वो प्लस वन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं ना कि कितना होगा। इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, अगर हम लोग बी को यहाँ लिखेंगे तो जे को यहाँ लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यही हमारा सही सीक्वेंस है, ठीक है। बी हो जाएगा यहाँ, हमारा जे हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या गिवन है, नंबर बॉक्सेस बिलो जे आर वन, वही हो चुका है हमारा यहाँ तक, ठीक है। मोर देन थ्री बॉक्सेस आर प्लेस आर बिटवीन एस एंड डी विच इज नॉट ऑन द टॉप, अच्छा डी जो है वो हमारा टॉप पे नहीं है और एस और डी के बीच में मोर देन थ्री बॉक्सेस है, बोलने का मतलब 1, 2, 3, 4, तो 4 बोलने का मतलब एक बार हमारा जो है वो डी यहाँ आ सकता है और इसके अकॉर्डिंग एक बार हमारा डी जो है वो यहाँ आ सकता है, बट टॉप पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से ज्यादा होना चाहिए, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। अब उसके बाद क्या गिवन है, यहाँ तक हमारा हो चुका है मोर देन 6 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड के, अच्छा डी और की के बीच में जो है ना वो 6 से ज्यादा बॉक्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा के यहाँ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा तो एक बार हमारा यहाँ हो जाएगा। और एक बार हम छोटा सा कंडीशन एक और बना ही लेते हैं, बिकॉज मेंस का है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है ना, एक बार हम लोग यहाँ भी आ सकता है ना, ठीक है, क्योंकि 6 से ज्यादा है तो 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब उसके बीच में, अब उसके बाद बॉक्स बिलो जी आर वन मोर देन बॉक्स अबव डी, अच्छा देखिए एक कंडीशन हमारा जो है यहाँ पे सही हो रहा है, मतलब कट जाएगा, देखिए कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, मतलब एक कंडीशन हम लोग बहुत ही इजी मतलब बना दिया, जी के ऊपर एक बॉक्स ज्यादा है जितना अबव डी के है, अच्छा देखिए बॉक्स बिलो जी आर वन मोर देन बॉक्स अबव डी, ठीक है, बॉक्स बिलो जी, अच्छा डी के ऊपर अगर एक है तो जी के नीचे 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो डी है यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, के यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा 2 है तो यहाँ पर हमारा 2, देखिए ये कंडीशन हमारा पहले ही गलत हो चुका है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जी हमारा फोर्थ पे आना चाहिए था, तभी ना उसके नीचे 3 होता, क्योंकि डी के ऊपर 2 है तो जी के नीचे 3 होना चाहिए था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक हमारा हो चुका है जी इज बिलो एस, जी जो है वो एस के बिलो है, सही बात है, दोनों में वही हो रहा है। अब उसके बाद थ्री बॉक्सेस आर बिटवीन आर एंड टी विच इज नियर टू डी, अच्छा टी जो है वो डी के नियर में है, अच्छा टी जो है वो डी के नियर में है। अब उसके बाद आर और टी के बीच में 3 बॉक्स, देखिए अगर हम लोग टी को यहाँ रखेंगे 1, 2, 3 यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब टी यहाँ जाएगा 1, 2, 3 यहाँ हमारा आर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग भी वही होगा, टी 1, 2, 3 यहाँ हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एन इज जस्ट बिलो टी, अच्छा यहाँ पर हमारा एन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एम इज नॉट एट द टॉप, अच्छा एम अगर हमारा टॉप पे नहीं है तो एक बार हमारा, अच्छा नॉट नियर जी, अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा एम अगर यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा ना, बिकॉज जी के नीचे भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ हमारा एम आ जाएगा। हमारे पास एक और बोला था पी इज वन ऑफ दी बॉक्स, तो यहाँ हमारा पी हो जाएगा, ये पजल हमारा बन चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सारे।
हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन जे एंड पी. अच्छा जे कहाँ, जे यहाँ है, पी कहाँ ऊपर में, तो जे एक दो तीन चार, चार बॉक्स होगा क्या, चार बॉक्सेस सही है. आगे देखते हैं अगला, नंबर ऑफ बॉक्सेस विच आर बिलो टी. अच्छा नंबर ऑफ बॉक्सेस विच आर बिलो टी एज मेनी एज एवर विच बॉक्स. अच्छा बिलो टी के नीचे कितना लो है बॉक्स, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है यहाँ पर हमारा आठ बॉक्स है, ठीक है ना. तो एबव मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, जी एबव जी होना चाहिए, ठीक है सही है, बिकॉज आठ ऊपर तो आठ नीचे. विच बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द स्टैक, ठीक है तो एम हो जाएगा हमारा. अब उसके बाद हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन आर एंड एम, आर और एम. अच्छा एक दो तीन, तीन हो जाएगा हमारा. अब उसके बाद इन विच स्टैक बॉक्स एन हैज बीन प्लेस्ड, एन हमारा जो है एट्थ पे आ रहा है, ठीक है ना एट्थ पे. आगे देखते हैं अगला. अच्छा ये हमारा जो पजल सॉल्व हो चुका है, हमारे पास एक और लास्ट पजल को बचा होगा जो क्या था, कैटेगरी वाला साइड था. देखिए ये पजल हमारे पास है, इसमें क्या बोल रहा है, देर आर टेन स्टूडेंट्स ए बी सी डी एफ जी ई एफ जे के एल एंड एम, दे आर ऑल इन द डिफरेंट ब्रांचेस बी एस सी बी कॉम एंड बी ए. अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले हम लोग एक बार बी एस सी है ना, बी एस सी लिख लेंगे, बी कॉम लिख लेंगे और बी ए लिख लेंगे, ठीक है इसे हम लोग ऐसे करेंगे. अब उसके बाद क्या बोल रहा है, टेन स्टूडेंट्स है. अच्छा नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर नेदर एनी ब्रांच हैव लेस देन थ्री स्टूडेंट्स, मतलब तीन से कम नहीं होगा. तो यहाँ पर हमारा एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ठीक है एक में हमारा ज्यादा हो सकता है किसी में, ठीक है. अब उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, फोर स्टूडेंट, हाँ ठीक है मतलब एक में ज्यादा हो सकता है, बिकॉज तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा तो तीन हो जाएगा, नौ हो जाएगा और एक ज्यादा रहेगा तो दस हो जाएगा, ठीक है. अब उसके बाद ए एंड बी आर इन द सेम ब्रांच बट नॉट इन द बी कॉम. अच्छा ए और बी जो है वो इसमें नहीं है बट सेम है, तो हम लोग इसे है ना दो पॉसिबिलिटी में लेके चलेंगे. इसमें दो पॉसिबिलिटी हम लोग कैसे ले सकते हैं, बस इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है. एक बार हम लोग ए और बी को यहाँ लिख लेते हैं, एक बार हम लोग इसमें ए और बी को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है. ये हमारा जो है वो केस वन हो जाएगा, ये केस टू हो जाएगा, केस वन हो जाएगा, केस टू हो जाएगा, केस वन हो जाएगा, केस टू हो जाएगा, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग हमारा जो केस टू है वो ये है, समझिएगा बात को, ठीक है ना. अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बी कॉम, ठीक है बी कॉम में नहीं, डी एंड सी आर इन द डिफरेंट ब्रांच बट नॉट नेदर ऑफ देम इन द बी कॉम. अच्छा डी और सी जो है, डी और सी भी बी कॉम में नहीं है बट ये लोग अलग अलग ब्रांच में है, ठीक है. अब अलग अलग ब्रांच में है इसका मतलब सिंपल है, या तो डी यहाँ आएगा या तो सी यहाँ आएगा. इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो या तो डी यहाँ आएगा या तो सी यहाँ आएगा, क्लियर. अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, बीकॉम. अच्छा के इज नेदर इन द सेम ब्रांच विद ए नॉर स्टडीज इन द बीकॉम. अच्छा के अगर ए के साथ में यहाँ पे नहीं है तो, अच्छा मान लेते हैं अगर केस वन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे ना, तो के अगर ए में नहीं आएगा तो क्या के हमारा ए में आ जाएगा. देखा के हमारा यहाँ पे मतलब बीकॉम में भी के नहीं आना है, ठीक है. कोई भी बीकॉम में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं किसी को बीकॉम लेना ही नहीं है, सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है उसको, ठीक है. तो क्या हमारा एक बार के यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है. केस वन अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे तो, ठीक है ना, के एंड जे आर इन द डिफरेंट ब्रांच, के एंड जे आर इन द डिफरेंट ब्रांच. अच्छा के और जे जो है वो डिफरेंट ब्रांच में है, के और जे अभी डिफरेंट ब्रांच में है, ठीक है. तो जे को अभी हम लोग मतलब के और जे जो है ना वो कर देंगे कि अलग अलग है, अलग अलग. हम लोग इसे कैसे डिनोट करेंगे, इसे अलग कर देंगे, इसे अलग कर देंगे, ठीक है, नॉट सेम. अब उस ये के है. अब उसके बाद अच्छा इसका हम लोग अभी गिवन नहीं है. एल स्टडीज विथ थ्री मोर फ्रेंड्स. अच्छा एक बात हमें समझ में आ चुका. अच्छा देखिए नैदर इन बी एस सी नॉर बी कॉम. एल अगर बी एस सी में नहीं पढ़ता है, बी कॉम में नहीं पढ़ता है, तो क्या एल हमारा यहाँ हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग यहीं पर हो जाएगा और तीन लोगों के साथ है, ठीक है, तीन लोगों के, थ्री मोर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ता है, ठीक है. अब उसके बाद और हम लोग कुछ देखते हैं. एक बार हम लोग मतलब यहाँ ले लेंगे, एक बार इसी कंडीशन में आएगा के, बिकॉज बी एस सी में नहीं आएगा, बी कॉम में नहीं आएगा, तो इसी में आएगा और एक बार हमारा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना. अभी हमें गिवन नहीं है अच्छे से. अब उसके बाद देख लेते हैं क्या बोल रहा है. सी इज नॉट इन द सेम ब्रांच विथ ए. अच्छा सी इसमें नहीं है तो ए के साथ हमारा डी हो जाएगा
और इसके साथ जो है वो हमारा कहाँ गया, डी ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी, और यहाँ हमारा सी आ जाएगा, बिकॉज सी जो है वो बीकॉम भी नहीं लेता, डी और सी जो बीकॉम नहीं लेता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया है, इफ इज नाइदर इन द सेम ब्रांच विथ ए नॉर विथ जी। अच्छा, इफ ना तो ए के साथ में है, ए अगर इसमें नहीं आएगा तो इफ हमारा मतलब बीकॉम भी नहीं लेता है क्या, इफ इज बट नॉट, देखे इफ इज नाइदर इन द सेम ब्रांच विथ ए नॉर जी, अच्छा जे, अच्छा मतलब कि एफ जो है वो जे के साथ भी नहीं है और ए के साथ भी नहीं है, तो अभी हमें जे का, अच्छा के और जे जो है मतलब जे यहाँ नहीं आएगा, क्या हमारा एक बार एफ यहाँ आ सकता है, बिकॉज एफ इसमें नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर ए आ गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एफ नहीं आ सकता है, तो क्या हमारा यहाँ पर एफ आ सकता है, आ सकता है, अभी के अकॉर्डिंग हमारा आ सकता है। बट एक बात मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा जो है एक कंडीशन यहाँ पर कट रहा है, ये वाला जो कंडीशन है हमारा कट रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर चार मेंबर हो चुके हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो हमारा के यहाँ नहीं आता, हाँ ठीक है, इसका ये जो है हमारा है ना ये मतलब यही फॉलो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, एफ इज नाइदर इन द सेम ब्रांच विथ ए नॉर जे, ई इज नॉट इन द सेम ब्रांच विथ बी और सी। अच्छा, सी वाले में भी नहीं है, बी में नहीं है, तो क्या हमारा मतलब ई यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अब उसके बाद एफ इज इन द ब्रांच हैविंग मोर देन थ्री स्टूडेंट्स, अच्छा एफ मतलब पक्का ही आना था, सही है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा, एम इज नाइदर इन द ब्रांच विथ एफ नॉट डी, डी के साथ भी नहीं है, एफ के साथ भी नहीं, तो क्या हमारा एम यहाँ आ जाएगा, ई और एम ऐसे आएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद जे स्टडीज विथ टू मोर फ्रेंड्स बट नॉट इन द बी ए, देखिए जे जो हमारा है ना वो के साथ नहीं आएगा, ठीक है, बी ए में भी नहीं आएगा, तो बी ए में तो के है ना। अब उसके बाद जे जो है वो हमारा क्या कहा गया, विथ टू मोर फ्रेंड्स, दो और लोगों के साथ पढ़ता है हम लोग को, देखिए जे यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे तो तीन लोग होगा ना, तो जो दो और लोग होते हैं तो जे हमारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेदर जे नॉट के इज इन द सेम ब्रांच विद डी, हाँ ठीक है, तो ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसका आप देखते हैं आंसर। एफ इज इन द सेम ब्रांच विथ, अच्छा एफ इज इन द सेम ब्रांच विथ, एफ किसके साथ है, के एल सी के साथ है, इसमें से के एल सी, सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, सही है। आगे देखते हैं अगला, इन विच ब्रांच डी स्टडीज, डी जो है वो हमारा बी एस सी में पढ़ता है, डी जो है हमारा बी एस सी में पढ़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, के इज इन विच ब्रांच, के जो है हमारा वो बी ए में है, एल इज इन सेम ब्रांच विथ, अच्छा एल जो है हमारा वो के सी एफ के साथ में है, सी एफ के साथ में, ठीक है। विच ब्रांच हैव मोर देन थ्री स्टूडेंट्स, मोर देन थ्री स्टूडेंट्स बी ए में है, तीन से ज्यादा मतलब चार लोग हैं। चलिए तो ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, 40 क्वेश्चन इसका हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स को मैं बस थोड़ा सा ऐसे आप लोगों को बस एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि किस सीक्वेंस में आप लोग करना चाहिए, उसके अलावा हम लोग इसे सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज मेरा जो मेन है ना वो आप लोगों को रीजनिंग सॉल्व करवाना था टारगेट, ठीक है। स्क्रीन को मैं मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलिए ये आप लोगों को पता है कि देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ना कि जितना भी इजी या मिसलेनियस या डुएबल क्वेश्चंस है ना आप लोगों को उसे कर लेना है, या स्पीड मैथ्स का जो भी क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों को देखना चाहिए उसके बाद कि क्या आप लोगों के लिए डीआई जो है वो ज्यादा डुएबल है, या आप लोगों के लिए जो उसका अर्थमेटिक है वो ज्यादा डुएबल है, ठीक है। तो इसे मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, करते चलेंगे, बिकॉज हमारे पास देखिए मेंस का एग्जाम है, थोड़ा टाइम ज्यादा भी है, प्री से ज्यादा है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा मतलब लेके चल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हाँ इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। वैसे तो नंबर सीरीज या खासकर रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा रहता है, बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप कम से कम इसे मतलब जल्दी से निकाल सकते हैं। और दूसरा होता क्या है ना कि मान लीजिए अगर आप लोग उसे कोई भी ऐसा पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है, नहीं आप लोग उसे सॉल्व कर पा रहे हैं, जब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर फिर आपको रुके नहीं रहना है, डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है ना। 30 सेकंड 40 सेकंड अगर लगा सॉल्व नहीं हो पाया तो बस आगे बढ़िए ना, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना, क्यों उस क्वेश्चन को आप लोग मतलब क्या कीजिएगा, सजा सजा के घर पे मतलब लेकर वापस आइएगा क्या, जब ऐसा करना ही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मतलब अपने आप को माइंडसेट को मतलब प्लीज डेवलप कीजिए कि आप लोगों से जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन 30-40 सेकंड देने के बाद अगर सॉल्व नहीं हुआ उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, उसको थोड़ी आप लोग मतलब डोली में बैठा के घर लेकर आइएगा, है ना। तो ये हमारा मतलब जो है इसे हम लोग मतलब कर सकते थे, ठीक है। अब उसका अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा देख ही लेता हूँ, ये हमारा दो हो रहा है, तीन हो रहा है, अच्छा एक है, ये हमारा तीन है, तो तीन है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा यहाँ पर 9 से 15 है, 9 है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 15 या 45 है, देखिए यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो ये है ये मल्टीप्लीकेशन का कोई सीरीज बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, 15 या 45,
दिया 45। अच्छा 6 से 15 कैसे हो सकता है? 6 से 15 हो सकता है हमारा 9, 6 से 15 25 छक 150 होता है। 25 छक 150 बोलने का मतलब अढ़ाई, देखिए यहाँ पर हमारा अढ़ाई का पैटर्न चल रहा है, मतलब 2.5 का, 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, हाँ तो यहाँ हमारा ये 15 हो सकता है, ठीक है तो फिर 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 3 दूनी 6 है 2 है, तो क्या यहाँ पर हमारा आधा आधा, अच्छा मतलब यहाँ पर हमारा 2 हो गया तो अढ़ाई हो गया तो 3 हो गया, ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर हमारा मतलब क्या हो रहा है 2 से 3 तो 15 दुना 30, हाँ ठीक है ये हमारा हो रहा है, ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर हमारा जो आना चाहिए ना 15 43 45 साढ़े तीन का सीक्वेंस, तो साढ़े तीन बोलने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, साढ़े तीन बोलने का मतलब इसे अगर थोड़ा सा लिखा जाए, थोड़ा सा लिखा जाए ना, तो साढ़े तीन बोलने का मतलब 135 हो जाएगा, और 135 में हम लोगों को 22.5 जोड़ देना है, तो 22.5 जोड़ देने का मतलब क्या हमारा 157.5 आ जाएगा, यहाँ पर 156.5 है, ठीक है तो ये हमारा मतलब गलत हो जाएगा, यही हमारा गलत हो रहा है 156.5, चलिए सही है, आगे देखते हैं अगला। इसमें क्या बोल रहा है, ये 36.20 उल्टा चल रहा है, ठीक है इसे हम लोग एक काम करेंगे उल्टा देखने की कोशिश करेंगे, ये 4.5 है, ये 5.5 है, एक हो गया, ये 6 है आधा हो गया, ये 8 है 2 हो गया, 2 का डिफरेंस है, ये 4 हो गया, यहाँ पर हमें 12.8.20 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 16 दिख रहा है, अच्छा इस क्या इसे आप लोगों को समझ में आया, देखिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी है ये सब पैटर्न जो है ना, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, प्री में तो आता ही है, तो होता क्या है ना कि आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ ये सब दिखने लगेगा कि हाँ क्या पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है कुछ ऐसा कॉमन घिसा पीटा पैटर्न होता है ना जिसे आप लोग मतलब आँख से देखेगा तभी समझ में आ जाएगा, अच्छा बेटा तुम तो मतलब ये कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना यही पर मिस्टेक है, बिकॉज अगर यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 16 हो रहा है, तो क्या हमारा यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 होने का मतलब देखिए 5 से 6 होता, तो 5 से 6 मतलब यहाँ पर 1 होता, तो यहाँ पर आधा होता, तो 4.5 से आधा क्या होता है 5 होता है, हमारा जो ये है वो गलत है, 5.5 हमारा गलत होना चाहिए, चलिए सही है इसका मतलब हम लोग का पैटर्न, आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है 16, 40, 100, 250, 630, अच्छा देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना 16 से 40 हो रहा है, तो 16 से 40 हमारा कितना होता है, क्या 24 होता है, 24, तो 24 में हमारा आ जाएगा 16 से 40, 24, अच्छा ये हमारा हो रहा है 60 हो रहा है, ये हमारा 150 हो रहा है, ये हमारा कितना हो रहा है 8 बोलने का मतलब ये हमारा हो रहा है 380, अच्छा ये हमारा 380 हो रहा है, ठीक है देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना सिंपल सा, देख लीजिए 16 से 40 है, 16 से 40 बोलने का 24 है, तो क्या हम लोग इसे ऐसे देख सकते हैं कि हाँ 16 गुना 32 और 16 का आधा 8, 2.5 सही है, अब यहाँ पर 25 चौके 100 होता है, इसमें भी 2.5 है, यहाँ पर भी हमारा 2.5 है, क्या यहाँ पर हमारा 2.5 है, 25 दुना 50, ठीक है 25 दुना 50 और उसके बाद 25 का आधा 125, देखिए ये हमारा गलत है, 630 हमारा गलत होगा, चले सही है, आगे देखते हैं अगला। इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा ये छोटा सा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर हमारा डिफरेंस कब बन रहा है, इसे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा क्या बोल रहा है, 5 से 23 बोलने का मतलब 8, 5, 13, क्या ये 18 हो रहा है, सही है 23 से 20 हो रहा है, सही है ये हमारा क्या हो रहा है, क्या ये हमारा 23 हो रहा है, 23 हाँ सही है, ये हमारा क्या हो रहा है 14 है, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ बच के 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, अच्छा 28 हो गया, अब उसके बाद 11 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, अच्छा इसका हम लोग डबल डिफरेंस देखते हैं, 18 से 20 2 हो रहा है क्या, 3, 5, 1 कितना है 9, 8, 17, 9, 2, 3, 5, 9, देखिए ये हमारा गलत है, बिकॉज यहाँ पर जो है ना हमारा शायद प्राइम नंबर का वो जो डबल डिफरेंस चल रहा है, ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 37 वाला जो है ना इसका मतलब 131, शायद ये गलत है, मुझे पता नहीं है बट इसे हम लोग एक बार मार्क करके देखते हैं, इसका हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं, एक्चुअली मुझे सच में पता नहीं है, 7, देखिए इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब यहाँ पर 7 आना चाहिए था, ठीक है ना, तो यही मतलब इसका जो सिक्वेंस है वो बन रहा था, ठीक है ना, चलिए सही है हमारा, देखते हैं आगे। इसे थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से मतलब आप इसे देख लीजिएगा, और मुझे तो एक्चुअली पूरा मैथ्स करवाना नहीं है ना, तो रीजनिंग मैंने पूरा करवा दिया, अब इसे हम लोग मतलब देख लीजिएगा आपसे मतलब बनेगा तो, ठीक है ना,
एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें बेकार का टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा है, वैसे मैं बड़ा डिजिट वाले को है ना थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि उससे मैं थोड़ा सा दूर ही रहूँ, छोड़ ही दूँ, बिकॉज ये हल्का सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है, इसे मतलब डिफरेंस वगैरह निकालना पड़ेगा कुछ, है ना। अच्छा इसे एक बार थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या बोल रहा है ये। 41 है, 6 है, 41, 6, 6, 5, 11, क्या 35 है। अच्छा एक बार इसे थोड़ा सा लिख के देख ही लेते हैं, ठीक है ना, क्या ये 35 है। हाँ ठीक है, 35 का माइनस 35 हो रहा है। अब उसके अलावा यहाँ क्या हो रहा है, हमारा 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ हमारा बच गया, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 49 हो गया, 49, 35, 36 होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके अलावा यहाँ हमारा हो जाएगा 14 में से 7 घटाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे, 7 में 6, 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 121। अच्छा इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ हमारा बच गया 4, 4 तो 14 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, यहाँ हमारा हो गया 1, 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो है 13 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा 35 है, ये हमारा या तो 36 का स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है ना, ये हमारा जो है 36 का स्क्वायर होना चाहिए था, या तो यहाँ पर हो सकता है ना कि अच्छा ये हो सकता है कि प्राइम नंबर का कुछ डिफरेंस हो, तो इसका मतलब यहाँ हो गया 7, 9, 11, 13, हाँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहाँ गया पेन, हाँ मतलब ये होना चाहिए, चले सही है हमारा, ठीक है ना, यही हमारा गलत था। स्क्रीन को मैं डिलीट कर देता हूँ, चले ये आप लोग मतलब देख लीजिएगा, ये काफ़ी ड्यूएबल होता है, मतलब आप लोग थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला, ये भी मतलब 5 क्वेश्चन देखिए आप लोगों को, मतलब 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज का देखने को मिला, राउंड नंबर सीरीज का, और यहाँ पर भी आप लोगों को देखिए 5 क्वेश्चन देखने को मिला, 5 क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है ना। अब उसके अलावा ये सब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना, वो सबसे पहले आप लोग अगर अर्थमेटिक में स्ट्रॉन्ग है तो डीआई और अर्थमेटिक में आप लोगों को चूज करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को डीआई देखना चाहिए, डीआई सबसे पहले हम चले एक काम करते हैं, डीआई ही देखते हैं, वो भी हम लोग अर्थमेटिक को सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्या हम लोग उसमें अगर हाथ लगाएंगे तो हम लोग बना के निकल जाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक तरह का मतलब एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज यहाँ आ गया ना, ठीक है। तो वैसे ये क्या बोल रहा है, अच्छा 100 आउटलेट्स है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जिसमें 45,000 रुपया का, ठीक है, टोटल सेल्स होता है, तो इसका मतलब 4500 हो जाएगा हमारा, अगर एवरेज निकालेंगे तो 4500 हो जाएगा 100 से मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो अगर हम लोग काट देंगे तो हमारा 450 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा 30 का है 350, और 20 का हमारा देखिए हमारा गिवन है एवरेज सेल हो जाता है 30 का तो 350 रुपये का होता है, और 20 का अगर देखा जाए तो वो होता है 860 का, तो टोटल 100 है, तो 30 और 20 बोलने का मतलब 50, तो 50 का हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 का हमारा कितना हो जाएगा, 50 का हमारा मतलब 50 और जो मतलब इसमें से इन दोनों को घटा के जो बचेगा ना वही हमारा 50 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग मतलब करेंगे नहीं, आगे देख लेते हैं, आप लोग मतलब कर लीजिएगा सिंपल सा। देखिए इसमें क्या करना है ना, 35 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है 10,500। अब उसके अलावा ये 20 को 860 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 × 12, 8 × 16, 176, 172, 172, 17,200, 17,200 प्लस 10,500 अगर आप लोग कर देंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मतलब उसमें अगर 45,000 से माइनस कर देंगे तो आपका जितना ही बचेगा उतना डिवाइड बाय 50 कर दीजिएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ट्रेन, ये देखिए गलत है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है थर्ड क्लास, 15, 10, 7.5, ठीक है। अब उसके अलावा सम डे द रेशियो ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन दीज कैटेगरीज 2:5:13, व्हाट विल बी द एवरेज फेयर। अच्छा इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ना कि सारा का मतलब मल्टीप्लाई करके उसके बाद टोटल को जोड़ के जो टोटल जितना पैसा लग रहा है और जो टोटल आपका मतलब ये जो भी मतलब जितना ये कैटेगरीज में जो लोग जा रहे हैं ना पर्सन पैसेंजर्स उसे आप लोगों को बस डिवाइड कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, देखिए देयर वर 20 बॉयज इन अ क्लास, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। अच्छा एज न्यू बॉय कम्स इन प्लेस ऑफ बॉय एज 18 ईयर्स। अच्छा कोई 18 साल का लड़का था, अगर उसे उसके जगह पे कोई नया बच्चा आ जाता है, नया लड़का आ जाता है ना, तो एवरेज जो क्लास का 20 स्टूडेंट्स का जो क्लास का एवरेज एज है वो हो जाता है 2 महीना ज़्यादा, तो 2 महीना अगर बढ़ जाएगा तो अगर सब में 2-2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20 × 40 हो जाएगा, ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 40 मंथ को देखेंगे तो ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 18 ईयर का है, ईयर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा 40, तो 40 बोलने का मतलब 12 × 36 और 4 = 40, ठीक है। तो 3 महीना 3 साल 4 महीना 3 साल 4 महीना को अगर हम लोग 18 में जोड़ेंगे, बिकॉज इतना ही का इसमें ही 3 साल 4 महीना का जो होगा वही ना सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इक्वली एवरेज,
तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 18 या 21 चार महीना, 21 साल 4 महीना क्या कहीं पे है कि बहन, 21 साल 4 महीना कहीं की बहन नहीं, इसका मतलब हमारा जो ये आंसर होना चाहिए, चलिए हम लोग सही था, ठीक है ना। इसका हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन भी, देखिए 20 गुना 40 18, देखिए बिल्कुल हम लोग सही किए थे, वही बोल रहा था, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इसे बना सकते हैं बहुत ही जल्दी। देखिए द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 40% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका मतलब एक बार 2/5 बोलने का मतलब 7 हो जाएगा और एक बार 20% बोलने का मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 1/5 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है, 7:6। अब उसके बाद इफ इट्स एरिया इंक्रीज बाय 68%, अच्छा फाइंड द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द विड्थ। देखिए अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट आता है ना, अगर मेंसुरेशन वगैरह का आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ पता है अच्छे से, तो आप लोगों को इसमें एक चीज क्वेश्चन को पढ़ते समझ में आ चुका होगा कि कभी भी आप लोग इसका जो है ना एक क्लियर आंसर प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज इसमें कोई भी कम से कम एक जो वैल्यू है ना वो गिवन होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग मतलब एरिया वगैरह का जो जो भी इंक्रीज हो रहा है वो आप लोग मतलब फाइंड आउट कर सकते थे, तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है ना वो डायरेक्ट आप लोगों को मानना चाहिए CND। अगर आपको आता है तो ऐसे ही मत मारिएगा, ठीक है, CND हमारा सही है। आगे देखते हैं, देखिए अ मैन बोरोज 6000 फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स ही पेड ₹2500 टू द बैंक। अच्छा तो 2500 कर दे देता है, तो हमारे पास 6000 में से कितना बच गया, 35 बच गया, 3500, ठीक है। अब उसके अलावा एंड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, अच्छा जब से लिया था पैसा बैंक से, ही पेड ₹4560 मतलब टू सेटल दी अकाउंट, अच्छा बाकी जो वो है ना वो ₹4560 देता है, तो 3500 में 4560 बोलने का मतलब 1060 हो गया, 1060 हो गया, 4560 माइनस 3500 तो 1060 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो जो है ना वो एक्स्ट्रा उसका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। अब उसके अलावा फाइंड द रेट परसेंट ऑफ पर एनम, इसको आप लोग मतलब निकाल लीजिएगा, मैंने आप लोगों को छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या बोल रहा है, अ मैन वांट्स टू इन्वेस्ट इतना इन अ बैंक टू डॉक्टर्स, देखिए साहब जो भी क्वेश्चन है ना आप लोग मतलब देख लीजिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो मिसलेनियस है वो बनाने लायक है कि नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट DI पे मूव करना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें बेकार का मतलब क्यों टाइम वेस्ट करूँ, एक्चुअली मुझे तो ये करवाना ही नहीं है ना, बिकॉज मैं मैथ्स में एवरेज हूँ, और होता क्या ना कि आप लोगों को उससे ही वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो उसमें थोड़ा सा बेस्ट हो, वरना जो बेस्ट नहीं है जिस चीज़ में ना उसे फिर पढ़ना भी आप लोगों को नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों का नुकसान होगा, ठीक है ना। रीजनिंग आप लोग अगर मुझे पढ़ना चाहते हैं या रीजनिंग में अगर आप लोग मुझे कोई भी टॉपिक बोलेंगे ना, मैं आपको बिल्कुल मतलब उसमें क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन हाँ मैथ्स वगैरह भैया नॉट माई कप ऑफ कॉफी। यस राकेश दस हाफ ऑफ द वर्क 30, अच्छा सन्नी दस 7.5 बोलने का 15/2 हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय देम टुगेदर, इसका मतलब निकाल के आप लोगों को दोनों जितना वर्क रहेगा दोनों को जोड़ के बस उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है, एक का मतलब निकाल के और दूसरे का निकाल के, राकेश और सन्नी का निकालेंगे ना तो जितना भी रहेगा उसे आप लोगों को बस डिवाइड कर देना हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, अ कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 30% इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड 3 times, अच्छा 3 times बोलने का 30% कितना होता है, बोलने का 30% बोलने का 3/10 तो 13 13 13, अच्छा और उसके अलावा 10 10 10, अच्छा एट द एंड ऑफ द थर्ड ऑपरेशन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मिल्क, अच्छा ये मतलब आप लोगों को आता होगा निकाल लीजिएगा। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 250 मीटर इन 20 seconds, अच्छा एंड क्रॉसेस अ पोल, पोल बोलने का मतलब अपना ही लेंथ को ये मतलब क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो 10 जो एक्स्ट्रा है ना वो उसको लग रहा है प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 10 seconds, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ABC स्टार्ट बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट 4 8 12 का, इसका 4 8 12 बोलने का मतलब 2 4 3 2 4 6 का इसका रेशियो बन रहा है। अब उसके अलावा 2 4 6 जो बन रहा है ना उसके अकॉर्डिंग 2 4 6 बोलने का मतलब 6 6 12 12 का मतलब 12000 है, तो हमको क्या बताना है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी टुगेदर, तो बी एंड सी टुगेदर बी का हमारा बन रहा था 4 और 6 6 4 10, क्या हमारा 10000 आ जाएगा, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, डायरेक्ट मुझे चौंक हो गया, ठीक है ना, आप लोगों को पता चला होगा कि मैंने क्या किया, मुझे सॉल्व होने का मतलब ओरली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा एन आर्टिकल वाज परचेज्ड एट ₹7000 लेटर इट्स प्राइस वाज मार्क्ड बाय 30%, इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क अप प्राइस, अच्छा तो बोले 30% अगर बढ़ा देते हैं तो 7 या 21 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें हम लोगों को 7 या 21 तो 7000 में अगर हम लोग 2100 बढ़ा देंगे
तो 9100 हो जाएगा, 9100 ठीक है, 9100 पे अगर हम लोग 10% का डिस्काउंट देंगे तो 9100 पे 10% का डिस्काउंट बोलने का मतलब 910, तो हमारे पास बचेगा 910 9100 पे। तो क्या हमारे पास, पहले तो 10 घटा देंगे और उसके बाद 900, क्या हमारे पास 8190 बचेगा, 8190 बचेगा ठीक है। अब उसके अलावा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा बट कोई बात नहीं, इसे चलिए हम लोग एक काम करते हैं सॉल्व करके देखें क्या, ट्राई करते हैं। हमारे पास मतलब अगर 9100 में से 910 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, यहाँ हमारा कितना बचा, 90 हो जाएगा, 90 में से 9 तो 81 हो जाएगा, 8190 सही है। अब उसके अलावा यही जो है हमारा वो एसपी हो जाएगा ठीक है। अब व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस, अच्छा इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, 8190 माइनस 7000 सबसे पहले हम लोग करना होगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 7000 का कितना परसेंट है, तो ये 0 ऐसा कट जाएगा, ये 0 ऐसा कट जाएगा, ये हमारा 17 × 7 = 119 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 17%। चलिए सही है, आगे देखते हैं अगला, इसे डिलीट कर देते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2000, अच्छा एन शॉपकीपर, यहाँ पे देखें अ शॉपकीपर होगा, इसका अंग्रेजी जो है ना टेक्स्ट बुक वाले का बहुत खराब है भैया। A shopkeeper giving two successive discount, अच्छा 20% और 25% and the selling price of the object। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वो अरबी क्लर्क के मेंस में आया हुआ है ठीक है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले 20% देंगे, 20% बोलने का मतलब 4/5 हो जाएगा, बोलने का मतलब 5 से अगर हम लोग 2000 को काटेंगे तो 5 से अगर 2000 को काटेंगे तो कितना, 5 × 20 और 4 × 16, 1600 हमारे पास बचेगा, 1600 में फिर हम लोग को 25% देना है, मतलब 1/4, मतलब कि 400 400 400 400, तो 400 घटा देंगे तो क्या हमारे पास 1200 बचेगा, इसका आंसर जो है वो 1200 हो जाएगा। चलिए सही है, आगे देखते हैं अगला। देखिए ये आप लोगों का डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को मतलब बना लेना चाहिए, बना लीजिएगा आप लोग ठीक है ना। तो देखिए इसमें आप लोगों को देखना होगा आप लोगों को अगर आता है कि नहीं आता है ठीक है, कॉन्सेप्ट का आप लोगों को जानकारी होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को आप लोग बना पाएंगे। आगे देखते हैं अगला। देखिए एडीआई का क्वेश्चन है, इसे भी मतलब आप लोग जो है ना वो सॉल्व कर लीजिएगा, काफी इजी मुझे देखने को मिल रहा है इसमें, तो और कुछ नहीं है, मतलब ये बोल रहा है ना कि हाँ ये लिव इन दी होम है और ये लिव ऑन रेंट है, अच्छा अपना घर में रहता है ये रेंट पर रहता है ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ द पीपल हु लिव ऑन रेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन होम फ्रॉम विलेज डी, अच्छा विलेज डी में जो रेंट पे रहता है और जो होम पे रहता है उसमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है। अच्छा विलेज डी कहाँ है हमारा, विलेज डी देखिए ये बता रहा है हमारा 60000 रहता है होम पे, और हम लोगों को बताना है पीपल हु लिव ऑन रेंट विथ, अच्छा देखिए रेंट पे रहता है 80000, मतलब 8 और 6 तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है, 6 है 8, 2/6 अगर ये हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसे 2/6 लिख देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो क्या ये 1/3 कितना होता है, 33%, कितना इजी क्वेश्चन था ये ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु लिव इन होम फ्रॉम ऑल द विलेजेस एंड द पीपल हु लिव ऑन रेंट, देखिए सिंपल सा है, इसमें आप लोगों को सारा को मतलब जोड़ के और इसको मतलब आप लोगों को घटा देना है ठीक है, मतलब इसको जोड़ के घटा देना है ठीक है, ये काफी इजी आप लोग इसे कर लीजिएगा ठीक है ना। बेकार का मतलब मैं करूंगा तो टाइम बेकार का जाएगा, बेकार का टाइम फिर वेस्ट करने से क्या फायदा, या चलिए एक काम करता हूँ मैं इसे आप लोगों को करवा ही देता हूँ ठीक है ना। देखिए ये क्या बोल रहा है, 45 बोल रहा है या हमारे पास 55 है, क्या हमारे पास 1 हो गया मतलब 10 हो गया मतलब 1,00,000 हो गया ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा 6/5 = 11 हो गया, बोलने का मतलब 2,10,000 हो गया, 2,10,000 मतलब 210 मानते हैं ना, 210 बोलने का मतलब ये हमारे पास 25 हो जाएगा, तो क्या है हमारे पास 235 हो जाएगा। अब उसके अलावा इसमें क्या है, इसमें 25 है इसमें 35 है, क्या हमारा 60 हो गया, 60 और 40 कितना होता है भैया, 60 और 40 बोलने का मतलब हो जाता है हमारे पास 1, और ये हमारा 18 हो जाएगा, और 8 × 4 = 12, ये हमारा 225 आ रहा है, 225 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है 10,000 हो जाएगा इसका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, आगे देखते हैं अगला। इन विच विलेज हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन होम टू द नंबर ऑफ पीपल हु लिव ऑन रेंट, देखिए हाईएस्ट रेशियो मतलब किस विलेज में होगा, ए में देख लेते हैं, ए में हमारा क्या हाईएस्ट रेशियो हो रहा है, ये हमारा अगर 5 से काटेंगे तो 9/45 देख लेते हैं इसको पहले काट के, ये हमारा 9/45 हो जाएगा, ये 5/25 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस है, बोलने का मतलब ये हाईएस्ट हो सकता है। आगे देखते हैं, ये हमारा 5 है
तो 5 के अकॉर्डिंग 10 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, 7 बजे का 35, इसमें 3 का डिफरेंस है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो पक्का नहीं होगा। उसके अलावा 25 है 40, देखिए इसमें तो हमारा हाईएस्ट रेशियो बताना है लिविंग इन होम, मतलब होम वाला जो है वो 12 होना चाहिए, तो ये तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया, इसको तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज होम वाला छोटा हो रहा है तो कैसे हाईएस्ट रेशियो होगा। उसके अलावा इसमें क्या चांसेस है, इसमें भी देखिए हमारा छोटा हो रहा है, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद ये 5500 है, इसका मतलब ये 11 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है, हमारा आंसर ये होना चाहिए 9 वाला बोलने का मतलब विलेज ए में होना चाहिए आंसर। चलिए सही है, आगे देखते हैं अगला, स्कीम को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। मतलब फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन द होम फ्रॉम ऑल द विलेजेस कंबाइंड टुगेदर। अच्छा, इसका मतलब हम लोग को सबको जोड़ के है ना एवरेज निकाल देना है, सबको जोड़ के अभी हम लोगों ने क्या निकाला था 235, ये लिखना पड़ेगा मेरे भाई, 235 निकालेंगे, 5 विलेज है ना ए बी सी डी ई, 5 बोलने का मतलब 5 चौके 20 और 5 सतह के 35, 47 है कहीं, हाँ 47 है। देखिए कितना इजी आप लोगों को डीआई देखने को मिला था, है ना, मुझे मतलब इतना बनाने के बाद मजा आ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन द होम टू द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन रेंट इन विलेज ए एंड सी कंबाइंड टुगेदर। अच्छा, ए और सी में आप लोगों को होम वाला को सबसे पहले जोड़ देना है और विलेज वाला को जोड़ देना है, मतलब रेंट वाला को जोड़ देना है, उसका आप लोगों को रेशियो निकाल देना है, ठीक है। तो विलेज ए और सी में कितना है, ये आपका 45 है 25 है, क्या आपका 7 हो गया, तो लिखना पड़ता है यार बार बार, ये चेंज करना पड़ता है ना, ये हमारा हो गया 7, ठीक है। अब उसके 7 बोलने का ये 70 हो जाएगा, मान के चलिए ना, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए। अब उसके अलावा इसका रेंट वाला 25 और ये हमारा 65 हो गया, देखिए हमारा इसका आंसर जो है वो 5 से काटेंगे तो 14 5 70, 13 5 65, 14 13 हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला, ये एक मतलब केसलेट डीआई है, ठीक है ना, ये देर 1800 विजिटर्स इन अ मंथ ऑर्डर्स 5 डिफरेंट स्नैक्स, ठीक है, नेमली बर्गर पिज्जा फ्राइज हॉट डॉग एंड केक, ये लोग ऑर्डर करते हैं, और आउट ऑफ द फीमेल विजिटर्स 24% ऑर्डर्स ऑर्डर बर्गर्स, 28% ऑर्डर पिज्जा, 12% ऑर्डर फ्राइज, 15% ऑर्डर केक्स एंड द रिमेनिंग 147 ऑर्डर हॉट डॉग्स। आउट ऑफ द टोटल मेल विजिटर्स 14% ऑर्डर बर्गर, 26%, ये आप लोग मतलब देख लीजिएगा केसलेट है, मेरा केसलेट में है ना, मतलब प्री वगैरह का तो बन जाता है बट मेंस वगैरह में केसलेट में थोड़ा सा, वैसे भी ये हल्का कैलकुलेटिव लग रहा है, ठीक है ना, बिकॉज एक डीआई अगर आप लोगों को थोड़ा सा इजी देखने को मिला है तो दूसरा डीआई आप लोगों को खासकर केसलेट हो सकता है कि थोड़ा सा अटका दे। 5 क्वेश्चन का सेट है ये, 31 32 33 34 35, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा पाई चार्ट दिया है, ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें कुछ क्या गिवन है, 16% 28% 10% 14% 35%, नीचे में हमारा कुछ भी फाइनल वैल्यू है ओवरऑल वैल्यू गिवन नहीं है इसका, ठीक है ना। पाई चार्ट इज शोइंग द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर्स नेमली ए बी सी डी एंड ई। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय बी इज 280, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय सी एंड बी टुगेदर। अच्छा देख लीजिए, इसे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी का वैल्यू है 280, बी हमारा कौन सा, बी हमारा ये है, अच्छा 10% 280, तो क्या हमारा 100% 28 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हमारा 1% कितना हो जाएगा, 10% 280 है तो 1% हमारा हो जाएगा 28, और हम लोगों को निकालना है सी हमारा 14 है, तो 14 × 28 बोलने का मतलब 14 तिया का अगर हम लोग 42 कर देंगे, 420 कर देंगे, और फिर उसका अगर हम लोग उसमें 28 घटा देंगे तो क्या हमारा 10 में 60 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 392 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या बोलना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी एंड सी। अच्छा, तो बी का हमारा था 280, 392 में से 280 को घटा देना, ये डिफरेंस बताना है, यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, 9 में 60 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 1, 112 आंसर आ रहा है क्या, 112 हमारा ऑप्शन में, काफी ईजी था ये भी। अब उसके अलावा इफ द डिफरेंस इन शर्ट सोल्ड बाय सी एंड स्टोर डी इज 1800, सी और डी के बीच में 1800 है डिफरेंस, कहाँ गया, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर डी, देख लेते हैं सी और डी के बीच में, सी हमारा है ये वाला व्हाइट वाला और डी है हमारा ये वाला, अच्छा अच्छा तो 14 और 18 8 4 12, 18% का वैल्यू है 1800, 18% का वैल्यू 1800, तो 32 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3200 हमारा, चले सही है। आगे देखते हैं अगला, काफ़ी ईजी था, बस आप लोगों को इसमें देखना था कि आप लोग कितना ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं और कितना आप लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, यूज करते हैं दिमाग का, ठीक है ना, आप लोगों का मतलब कितना ज़्यादा वो तगड़ा है, मतलब कॉन्सेप्ट और मेमोरी नहीं, क्या उसे बोलते हैं, लॉजिकल माइंड, ठीक है ना। अब उसके अलावा इफ द डिफरेंस इन शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड डी इज 64, अच्छा ए और डी का जो डिफरेंस है वो 64 है, देन फाइंड द शर्ट सोल्ड बाय ए बी एंड ई, अच्छा ए और डी का जो 64 है,
ए और डी, ए बोलने का मतलब यहाँ है ये है, 4% का मतलब 64, तो 1% का मतलब 16, ठीक है। तो 16 और हम लोगों को अब 16 के अकॉर्डिंग निकालना होगा, एक का मतलब 16 हो जाएगा ना, अच्छा तो 16 के अकॉर्डिंग निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं इसको हम लोग, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा, इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं। 16 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो 16 * 48 हो जाएगा, बोलने का मतलब 480 हो जाएगा, उसमें माइनस कर देंगे 16 * 32, तो ये हमारा क्या कितना होता है, 48 होता है क्या, ये हमारा 48 होता है और ये हमारा 448 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा बी में कहाँ गया, बी में इसका मतलब अच्छा 10% इसका, तो 160 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा ई का ये 16%, तो 16 * 16 कितना होता है, 16 * 16 256 होता है, ये हमारा जोड़ देना है बस, ठीक है ना, यही हम लोग को टोटल बताना है। तो 8 * 14 = 4 हो जाएगा। अब उसके अलावा 6 * 5 = 11 4 * 15 + 1 = 16 हो जाएगा। अब उसके अलावा 4 * 5 = 2 7 + 1 = 8 हो जाएगा, क्या 864 हमारा आंसर होना चाहिए, 864 चले सही है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, फाइंड द एवरेज ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ऑल स्टोर्स इफ द शर्ट सोल्ड बाय बी इज 1750। अच्छा देख लीजिए एक बार, इफ द शर्ट सोल्ड बाय बी इज 1750, देख लीजिए सिंपल है, इसमें क्या कह रहा है ना, फाइंड द एवरेज ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ऑल स्टोर्स, बी का मतलब है 1750, बी का मतलब है 10, तो 10 का मतलब 1750, तो टोटल हमारा क्या 17500 हो जाएगा, 17500 ही तो ओवरऑल है, टोटल यहाँ पर 5 है, अच्छा 1 2 3 टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 गिवन है, तो 1750 माइनस डिवाइड 5 यही तो हमारा एवरेज निकलेगा ना, तो इसमें हम लोगों को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या गया 17 मतलब ऐसे करके 5, या तो अगर हम लोग इसको भी काटते ना बाई 5 करते, एक जीरो बैठा देते, तो 5 बोलने का मतलब 5 * 15 और 5 * 25 5 * 15 5 * 25 35 वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 3500 वाला हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ शर्ट सोल्ड बाय डी एंड ई। अच्छा डी एंड ई, इफ द शर्ट सोल्ड बाय ई इज 256, अच्छा ई कौन सा है हमारा, ई हमारा ये वाला है 16, 16 का मतलब 256 है, तो एक का मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 का मतलब 256 है, तो एक का मतलब हमारा 16 हो जाएगा, 16 होता है ना, 16 का स्क्वायर 256, तो एक का मतलब 256 हो जाएगा, एक का मतलब 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाने का मतलब 32, तो 16 * 48 16 * 2 = 32 48 बोलने का मतलब 16 में सबसे पहले अगर हम लोग 48 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 512 हो जाएगा हमारा, तो ठीक है, तो इसको हम लोग एवरेज निकालना है ना, तो 512 जोड़ेंगे और उसमें हम लोग 256 को जोड़ना होगा ना, ठीक है, 512 256, तो बोलने का मतलब ये हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा 6 * 2 = 8 हो रहा है, ये हमारा 5 * 1 = 6 हो रहा है, ये हमारा 5 * 2 = 7 हो रहा है, बटा 2 एवरेज निकालना ना, तो ये कितना होता है, ये होता है 38 * 2 = 76 और ये 4, 38 * 2 = 76 होता है ना, 8 * 2 = 16 मतलब 2 * 3 = 6 तो 8 * 2 = 16 और 4 * 2 = 8 तो 384 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 384 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वो मैथ्स का है वो भी मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और देखिए आप लोगों को क्या करना है ना, सबसे पहले जितना भी इजी क्वेश्चन है उसे बनाना है, डीआई और अर्थमेटिक में आप लोगों को पहले क्या करना है वो देख लेना है, और आप लोगों को कोशिश करना है ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कम से कम तो 35 से 40 मिनट उस सेक्शन को देना है जहां पर आप लोग स्ट्रांग है, बेकार का आप लोग 45 मिनट या 40 मिनट देने की कोशिश में रहेंगे ना, तो आप लोगों का पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज इंग्लिश या हिंदी में भी आप लोगों को कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छे से देने में लगेगा ही लगेगा, बिकॉज आप लोगों को वहां पर अच्छे से पढ़ना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप लोग सोचेंगे कि 15 मिनट में ही सब कुछ निकाल दें, आप लोग निकल जाइएगा एग्जाम से, ठीक है ना, मोस्ट मतलब मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट इसी वजह से गड़बड़ कर देते हैं, हर कोई किसी भी टीचर की तरह अच्छा नहीं कर सकता है, हर कोई किसी भी टीचर की तरह बहुत ही अच्छा स्कोर कम टाइम में नहीं कर सकता है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, टीचर की तरह उसको सब कुछ मेथड भी समझ में आएगा कि हाँ टीचर क्या कर रहा है, टीचर के दिमाग में पता नहीं कब क्या चल रहा है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, हर स्टूडेंट इस तरीके से नहीं एक्ट कर सकता है और इतना ज़्यादा जल्दी अपने आप को इस कंडीशन में ढाल भी नहीं सकता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा तभी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में, सिर्फ टीचर का बराबरी करने के चक्कर में आप अगर आप लोग रहेंगे ना कि हाँ कितना बार होता है क्या है ना, कुछ स्टूडेंट लोग उन टीचर को देखते हैं मैथ्स वगैरह में जो इजीली मतलब सब कुछ कर देता है और स्टूडेंट बोलता है कि वाह यार कितना मतलब जबरदस्त टीचर है जो कितना अच्छे से सब कुछ मतलब सॉल्व कर दिया, जल्दी कर दिया, इस मेथड से कर दिया, जबकि स्टूडेंट जब टीचर को देखता है तब उसे लगता है कि हाँ ये अच्छा ये टीचर ने ऐसा किया, मतलब वो जो भी सर वगैरह मैम वगैरह हो गई, बट उसके बाद जब वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो अटक जाता है, फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि हाँ भैया यहाँ चल गया रहा है, ठीक है, तो
तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, आप लोग थोड़ा सा मैच्योर बनिए प्लीज। हम लोग मूव करते हैं अगले सेक्शन पे जो हमारा होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को हम लोग करेंगे, देखिए इंग्लिश में आप लोगों का ये जो है ये आरसी है, ठीक है। आरसी का आप लोगों को पता चल चुका है कि 10 से मतलब 1 से लेकर 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग मतलब यहाँ पे भी मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, मैं जो इंपॉर्टेंट कुछ है वो करवा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आरसी को नहीं करेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए डायरेक्ट हम लोग मूव करेंगे ना। अच्छा, आरसी में आप लोग उन क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें आप लोगों का सिनोनिम बेस्ड वगैरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं उन क्वेश्चन को ढूंढने का, ठीक है ना। वैसे इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट वर्ड कैन बी यूज्ड इन द पैसेज प्लेस ऑफ द ब्लैंक स्पेस गिवन इन द पैसेज। ब्लैंक स्पेस हमारा कैसे ऊपर में ही गिवन है, यहीं पे हमारा जो है ना ये हमारा ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि अच्छा, मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स सो दे दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन शेयर्ड गोल्स। कोलेबोरेट, कोरोबोरेट नहीं होता है, कोलेबोरेट हो सकता है, कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट ऑन शेयर्ड गोल्स कोलेबोरेट हो सकता है मेरे ख्याल से। चले सही है हमारा, ठीक है आगे देखते हैं अगला। देखिए यही है हमारा क्लोजेस्ट मीनिंग, मतलब कि जो इसके सेम बन रहा हो, पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं हिंदी में। रैटल्ड, रैटल्ड का मतलब रैटल्ड, नर्वस, टायर्ड, हैप्पी, स्लीपी। रैटल्ड, रैटल्ड का मतलब मेरे ख्याल से होता है ना कि क्यूरियस, नर्वस, 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 ठीक है सही है, मतलब थोड़ा परेशान, डिस्टर्ब है ना। अब उसके अलावा देखिए, विच ऑफ दिस वर्ड्स मीन द अपोजिट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड अपोजिट बताना है, प्रेज नहीं होगा, एडमायर्ड नहीं होगा, सपोर्टेड नहीं होगा, कंप्लीटेड नहीं होगा, हमारा कॉन्ट्रास्टेड हो सकता है। चले सही है हमारा, कॉम्प्लीमेंट का उल्टा बताना था। आगे देखते हैं अगला। अब उसके अलावा क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द अपोजिट ऑफ द फ्रेज बर्नड आउट। अच्छा, क्लोजेस्ट बर्नड आउट का मतलब एग्जॉस्टेड होता है, मतलब पूरा का पूरा मतलब जल गया भैया, मतलब एकदम बर्बाद हो गया, ठीक है ना। वैसे इनविगोरेटेड, क्लोजेस्ट इनविगोरेटेड का मुझे नहीं पता, वो ओवर बर्न, बहुत ज्यादा काम कर लिया मतलब, है ना, पूरा एकदम देह तोड़ के मेहनत करना नहीं होता जिसे बोलते हैं कि हाँ ना बहुत ही जम के मेहनत किया है। टायर्ड, थका हुआ, फैटिक। अच्छा, मेरे ख्याल से एग्जॉस्टेड होना चाहिए क्या, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा गलत हो गया बिकॉज, बट कोई बात नहीं होता है। वैसे इनविगोरेटेड का मतलब क्या होता है, इनविगोरेटेड, इनविगोरेटेड, अच्छा इनविगोरेटेड हैज अ मीनिंग दैट इज अपोजिट टू द अपोजिट ऑफ बर्नड आउट। इनविगोरेटेड मीन्स टू मेक समवन और समथिंग मोर एनर्जेटिक। अच्छा एक बात बताइए यार, पागल वागल क्या टेक्स्ट बुक, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अपोजिट ऑफ द फ्रेज बर्नड आउट। अच्छा ठीक है, सही है, मैंने गलत पढ़ा, ठीक है ना, मुझे लगा यहाँ क्लोजेस्ट बोल रहा है, बट यहाँ मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर अपोजिट जो है वो गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। व्हाट वर्ड कैन बी यूज्ड इन द ऑफ द फ्रेज गेट द पिक्चर ऑफ। टेक अ फोटो, नहीं, सी थ्रू, ऑब्टेन एविडेंस, बेटर अंडरस्टैंड, गेट द पिक्चर ऑफ, मुझे नहीं पता इसका, ठीक है ना, छोड़ देते हैं इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या है हमारा, अच्छा हैव एन एरर, ये एरर वाला है, ठीक है। इसी में हम लोग को बताना है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर्स, हां ठीक है, नो एरर, ठीक है। एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्राउट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूली इन्वेंशंस कम्युनिकेशन बिगेन प्रोग्रेसिंग फास्ट लिबरेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। अच्छा इसमें मेरे ख्याल से हमारा एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्राउट अबाउट द डेवलपमेंट, अच्छा, ऑफ न्यूली इन्वेंशंस कम्युनिकेशन। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे न्यू इन्वेंशंस को न्यूली मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा गलत हो रहा है, न्यूली चले सही है, हम लोग जीत गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। द गवर्नमेंट हैज टुक सम स्टेप्स, देखिए इसमें तो पहले ही पैसा चुका है, गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स होगा, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द फ्लड्स फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लार्ज फार्मलैंड्स। अच्छा जो लार्ज फार्मलैंड्स है ना, जहाँ पर मतलब खेती वगैरह होता है बहुत ही बड़े मात्रा में, जो जमीन वगैरह है खेती का, ठीक है, तो उसे बचाने के लिए, उसे मतलब डिस्ट्रॉय होने से, पूरा नुकसान उसमें ना पहुंचे, उसे बचाने से, बर्बाद होने से बचाने से, प्रिवेंट मतलब फ्लड्स बाढ़ से बचाव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया है। टुक नहीं होगा मेरे ख्याल से, टेकन होना चाहिए। देयर बाय ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ, अच्छा, टू ऑल द फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री स्पेशली द पुअर वंस। अच्छा ब्रिंगिंग बोलने का मतलब ये तो मतलब बात अभी चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारा टेकन होगा स्टेप, ठीक है, टेकन, मेरे ख्याल से टेकन ही होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर टेकन ही है क्या, टेकन, देखिए टेकन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। द क्वीन वाज ऑल्सो नोटोरियस फॉर हर अनोइंग स्टेयर बुलिंग बर्स्ट ऑफ टेम्पर एंड ऑन ओकेजन हर सडन रिफ्यूज टू स्पीक एट ऑल, हर सडन रिफ्यूज। देखिए
कुछ काफी ज्यादा इजी दिया है, इसमें आप लोगों को पता चला होगा कि हर सडन रिफ्यूजल, हर सडन रिफ्यूजल टू स्पीक एट ऑल, यहाँ पर मेरे ख्याल से रिफ्यूजल होना चाहिए। द क्वीन वाज ऑल्सो नोटोरियस आफ्टर फॉर हर एनवाइंग स्टेयर, अच्छा स्टेयर मतलब घूरना, बुलिंग बर्स्ट ऑफ टेम्पर, अच्छा ऑन ऑकेजन हर सडन रिफ्यूजल टू स्पीक एट ऑल, डी मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, ठीक है सही है हमारा। आगे देखते हैं अगला, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है भैया। व्हेन ही डिड वाज नथिंग मोर, व्हेन ही व्हाट ही डिड वाज नथिंग मोर देन अवे दोज फीलिंग्स ऑफ जेनरोसिटी एंड अल्टरिज्म व्हिच एज एवरीवन नोज इज द टू बेस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आया होगा, यहाँ पर बात हमारा हो रहा है जेनरोसिटी एंड अल्टरिज्म के बारे में, लेकिन यहाँ पर उन्हीं टू के बारे में बोल रहा है, बेस्ट ट्रेट्स इज है, यहाँ पर इज लगा दिया, ये तो प्लूरल है ना, यहाँ पर हमारा मेरे ख्याल से आर होना चाहिए, डी ठीक है, काफी इजी मतलब दिया है, ठीक है ना। देखे ये क्या बोल रहा है भाई, एरर ही है। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे शोज दैट द मेजोरिटी ऑफ द शॉपर्स डिच देयर शॉपिंग कार्ट्स आफ्टर लोडिंग। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे शोज दैट द मेजोरिटी ऑफ द शॉपर्स डिच देयर शॉपिंग कार्ट्स आफ्टर लोडिंग, अच्छा आफ्टर लोडिंग के बोल रहे हैं, डिच करने के मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर द रिजल्ट ऑफ द सर्वे shows that the majority of the shoppers ditch their shopping carts, देखिए देयर यहाँ पर हमारा जो है वो देयर होना चाहिए, ये जो देयर है ये किसी जगह को डिनोट कर रहा है, बट देयर टी एच ई आई आर जो है ना वो किसी से किसी का संबंध बताता है, पोसेशन या रिलेशन बताता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर देयर होना चाहिए, मतलब डी होना चाहिए। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, shoppers is a noun, अच्छा देयर इज एन एडवर्ब, हाँ नाउन shoppers, क्या बोल रहे, देखिए देयर, देखिए देयर हमारा कर दिया, ठीक है ना, हमारा देयर ही मतलब होगा, सही है। आगे देखते हैं अगला, इसमें क्या बोल रहा है कि द सेंटेंस द बोल्ड गिवन दीज थ्री वर्ड्स मे और मे नॉट इन दिस करेक्ट पोजिशंस, द सेंटेंस इज गिवेन इज देन फॉलोड बाई ऑप्शन विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए जो भी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन रहता है ना आप लोगों को हमेशा पढ़ना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि उसमें कुछ उल्टा गिवेन हो, आप लोग उसे मतलब जनरली जो आता है उसके अकॉर्डिंग ही करने लगे तो आप लोग का ही नुकसान होगा, ठीक है। और कई बार इसके वजह से आप लोगों को निगेटिव देखने को मिलता है, निगेटिव मार्किंग या नंबर कट जाता है और आप लोगों को लगता है कि अरे यार मैंने तो सब कुछ सही किया था, ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, देखिए अप्रूव्ड, अच्छा अप्रूव्ड ऑन सैटरडे सेड, देखिए सबसे पहली बात की अगर कोई सेड किया है तो अप्रूव तो नहीं होगा यहाँ पे पक्का, ठीक है। अ थर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन रसिया ऑन स्टेट टीवी, अच्छा देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए सिंपल सा बात है, सेड हमारा आना चाहिए सी की जगह पे, सेड ऑन स्टेट टीवी पे मतलब स्टेट की टीवी पे आना है ना, आके उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि हाँ मतलब एक डोमेस्टिक यूज के लिए थर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो मतलब इशू कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ थर्ड अप्रूव्ड थर्ड, देखिए यहाँ पर हमारा चाहिए जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए सी ए बी, सी ए बी कैब सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, इट इज माइंड दैट पीपल शुड कीप इन एसर्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एडहेरेंस टू कोविड 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अच्छा देखिए यहाँ पर हमारा एसर्टेड होना चाहिए, कीप इन माइंड होता है, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, अच्छा दिमाग में रखो, कीप इन माइंड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे एसर्टेड होना चाहिए, बी ए सी बैक सही है। आगे देखते हैं अगला, द एस्ट्राजेनेका कंपनी इज गोइंग टू वैक्सीन, गोइंग टू प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, इन जापान दस द कोरोना वायरस वैक्सीन एनअफ फॉर 40 मिलियन पीपल, ठीक है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे होना चाहिए बी ए सी बैक, बी ए सी बैक, चलिए सही है। आगे देखते हैं अगला, अ जापानीज एयरफोर्स ऑफर एंड अ यूएस एयरफोर्स इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर क्रैश इंस्ट्रक्टर क्रैश वेयर किल्ड इन सैटरडे किल्ड इन अ क्रैश। देखिए यहाँ पर हमारा बी में तो पता चल चुका है कि हमारा क्रैश आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा इंस्ट्रक्टर इन अलबामा जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स सेड ऑन पायलट, अच्छा देखिए पायलट जो है ना वो देखिए यूएस एयरफोर्स इंस्ट्रक्टर पायलट होना चाहिए, और उसके बाद मतलब सी बी ए, सी बी ए मेरे ख्याल से होना चाहिए कैब, अच्छा सॉरी देखिए गलत हो गया, सी ए बी कैसे, यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा, पायलट हो जाएगा, वेयर किल्ड इन अ क्रैश, देखिए हाँ क्रैश भी आता ना, देखिए हमारा क्रैश भी आता तो सी ए बी हमारा क्रैश आता, मतलब थोड़ा सा मुझसे ही गलत हो गया, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक, ठीक है ना।
आगे देखते हैं अगला, और वैसे भी मैंने देखिए जल्दी से इसे मार दिया। आगे देखते हैं अगला, ईरान बिलीव्स यूएस सैंक्शंस विल सून बी लिफ्टेड, उठ जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। डिस्पाइट कंटिन्यूइंग डिप्लोमेटिक रैंगलिंग ओवर रिवाइविंग द न्यूक्लियर डील, अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन सेड ऑन सैटरडे सिग्नलिंग तेहरान्स डिजायर टू एंड द, देखिए मेरे ख्याल से ये सारा का सारा करेक्ट है, इसमें मेरे ख्याल से नन ऑफ द अबव आना चाहिए, सारा का सारा जो ये जो वर्ड जितना भी गिवन है ना वो सही तरीके से यहाँ पे सेट हो रहा है। आगे देखते हैं अगला, ये क्या है, अच्छा प्रॉपर मीनिंगफुल पैराग्राफ, अच्छा ये आपका जो है वो पैरा जंबल वाला है, ठीक है। तो पैरा जंबल वैसे तो थोड़ा सा कहने के डिफिकल्ट होता है, बट इसे मतलब आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसे अभी नहीं करूँगा, ठीक है ना। और हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी हमारे पास जो है टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हमारा हो चुका है इस वीडियो में, इसे हम लोग छोड़ देंगे। ये क्या बोल रहा है, सेम एज एक्सप्रेस इन द स्टेटमेंट सिंगल सेंटेंस फ्रॉम द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, अच्छा इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा वो जो है सही बनेगा। तो देखिए, सोलर एक्लिप्सेस ऑकर एट न्यू मून, द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, अच्छा सोलर एक्लिप्सेस ऑकर एट न्यू मून वेयर एज द व्हेन द मून एंड द मून, देखिए इसमें हमारा टू आना चाहिए मेरे ख्याल से, जब मून जब देखे व्हेन द मून इज बिटवीन, देखे जब मून जो है ना वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स जो है वो होता है, ठीक है, टू हमारा आना चाहिए व्हेन, सही है। आगे देखते हैं अगला, ये क्या बता रहा है यार, इसे मतलब मैं छोड़ दूंगा भाई, थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से हल आएंगे इसमें, थोड़ा सा फंसने वाला होता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया आप कर दीजिएगा, बिकॉज एग्रेसिव पे हमेशा इंग्लिश में मतलब मेरा फोकस रहता है। आगे देखते हैं, अच्छा वेयर वुल्व्स टेक देयर ट्रू फॉर्म ओनली ड्यूरिंग द न्यू मून, वैम्पायर्स आर वैम्पायर्स थ्रू आउट देयर लाइफ, अच्छा वैम्पायर्स हमारे अपने लाइफ के मतलब हमेशा अपनी जिंदगी भर वैम्पायर रहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, वेयर एज अनलेस नन दी लेस, वेयर एज मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ और सिर्फ वेयर एज आना चाहिए, कि वेयर वुल्फ जो होते हैं ना वो मतलब ट्रू फॉर्म ओनली ड्यूरिंग द न्यू मून रहते हैं, बट मतलब अपने ट्रू रूप जो उनका हो गया ना, मतलब उनका जो असल रूप हो गया उसमें न्यू मून में ही रहते हैं, उसके अलावा जो वैम्पायर्स रहते हैं ना वेयर एज मतलब वैम्पायर्स, जबकि वैम्पायर्स हमेशा वैम्पायर रहते हैं जीवन भर, वन होना चाहिए, चले सही है। आगे देखते हैं अगला, मैक्सिन वाज द टॉपर इन हर क्लास, सासा वाज इन द बॉटम थ्री, अच्छा ये मतलब नीचे से टॉप करती थी, थर्ड पे, थर्ड स्टेट, थर्ड पोजीशन पे। अब उसके अलावा ये क्या बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग, गलत, अनलेस नहीं वेयर एज, मेरे ख्याल से इसमें वेयर एज आना चाहिए, टू आना चाहिए इसका, चले सही है। मिहिर वाज एक्सट्रीमली सिक, बहुत ही बीमार था, ही वेंट ऑन टू प्ले इन द टेनिस टूर्नामेंट, अच्छा मिहिर वाज एक्सट्रीमली सिक, मतलब मिहिर जो है ना वो बहुत बीमार था, ही वेंट ऑन टू प्ले इन द टेनिस टूर्नामेंट अनलेस, अनलेस कहाँ से आ जाएगा, वेयर एज जबकि ही वेंट टू, बीमार होने के बाद वो गया, देखिए मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर इसे दुर्घटना से देर भली जो होता है ना, इसलिए मैं इसमें दुर्घटना करना नहीं चाहता हूँ कि हाँ भैया मैंने कुछ मार्क कर दिया और हो सकता है कि वो मतलब गलत हो जाए, तो एक्यूरेसी मेरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे मान लीजिए अगर इसमें बस अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए चेक करना हो तो हम लोग क्या चेक करते, मेरे ख्याल से देखिए वेयर ऑज, वेयर एज मतलब जबकि वो खेलने गया टेनिस टूर्नामेंट पता नहीं बीमार होने के बावजूद, नन दी लेस अनलेस जबकि, अनलेस मतलब जब वो जब तक वो नहीं गया खेलने, मेरे ख्याल से इसमें नन दी लेस करके देखे क्या, सॉरी यहाँ से मार्क होता है ना, ओनली टू यही है हमारा, नन दी लेस क्यों ऐसा है, A lot of physical exertion and is not something unusual. हाँ सिंपल सवाल है, मतलब वो जो है ना उस कंडीशन में ही नहीं था कि हाँ वो मतलब जाके खेल सके, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, She scored full marks in her exam. उसने अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, पूरा तो मतलब भयंकर नंबर लाई है। अब उसके अलावा मोहिनी वुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे, एट लीस्ट वेरा जिसमें पता नहीं आएगा, अनलेस मतलब कि जब तक वो फुल मार्क्स अपने एग्जाम में नहीं लाएगी ना, मोहिनी को अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो एनुअल डे में पार्टिसिपेट करें, उसका हिस्सा ले, ठीक है। तो इसका मतलब अनलेस होना चाहिए, सही है। चूज द वर्ड दैट इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, प्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड,
अमेज्ड, ओवरजॉयड, डिसअपॉइंटेड होना चाहिए. सही है हमारा. आगे देखते हैं अगला. क्लोजेस्ट अप. अच्छा, व्हाट इज द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. सेरेन. सेरेन का मतलब हमारा होता है कि एंग्जियस होता है. सेरेन का मतलब एंग्जियस होता है. एंग्जियस, सेरेन का मतलब मेरे ख्याल से एंग्जियस होता है. अनट्रबल्ड नहीं, ट्रैंक्विल, एंग्जियस, काम, पीसफुल, मेरे ख्याल से एंग्जियस होता है. क्या एंग्जियस होता है सेरेन का? सही है. स्पेक्टेकुलर, डाइजलिंग. ये तो मतलब देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये सब देखने ही मतलब समझ में आ गया. ठीक है ना, आप लोग बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुनते होंगे. स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, डाइजलिंग परफॉर्मेंस, स्टूपेंडियस परफॉर्मेंस, पता नहीं कौन कौन सा परफॉर्मेंस. कुछ हमारा रियलिटी शो वगैरह है ना, जिसमें ऐसा ऐसा वर्ड मतलब लोग जो बोलते हैं ना, जो भी जजेस रहते हैं मतलब. तो दिवाकर वाज इसमें क्या बोल रहा है, सेंटेंस विथ वन ब्लैंक ओनली. बिलो आर दी आर गिवन थ्री वर्ड्स एज आंसर चॉइसेस, एज वर्ड्स एज आंसर चॉइसेस. क्या लिखा है यार? यू हैव टू चूज एन ऑप्शन विथ चॉइसेस दैट कैन मेक द सेंटेंस कंप्लीट. ठीक है. द बाइकर वाज एक्सट्रीमली इनरेज्ड, फ्यूरियस, सिंपैथी एट बीइंग ओवरटेकन बाय अ बिगिनर बाइकर. अच्छा, कोई मतलब एक नौसिखिया या बिगिनर बोलने का मतलब होता है ना, बाइकर था. अगर जब उसने ओवरटेक कर दिया किसी बाइकर को, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गया, गुस्से में आ गया. मतलब इनरेज्ड और फ्यूरियस होना चाहिए. ए एंड बी है क्या? चले सही है. द फार्मर वाज डैश बाय द लैक ऑफ रेन दैट सीजन. अच्छा, मतलब कि वर्षा की बहुत ही भारी मात्रा में वर्षा की कमी की वजह से, रेन की, बारिश की कमी की वजह से जो फार्मर थे ना, वो इम्पैथी नहीं, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रेस्ड थे. बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान थे, बहुत ही चिंता में थे. तो क्या हमारा इसमें सी हो सकता है? क्या डिस्ट्रॉट नहीं होगा, इम्पैथी भी नहीं होगा ना. सी हमारा एक और ऑप्शन है क्या? कोई नीचे नहीं है तो डिस्ट्रॉट, इम्पैथी पक्का नहीं होगा. सिंपैथी, इम्पैथी, मेरे ख्याल से इम्पैथी नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल डिस्ट्रॉट होना चाहिए. बी और सी होना चाहिए क्या? चले सही है. डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है देख लेते हैं. डिस्ट्रॉट का मतलब मुझे नहीं पता. इम्पैथी का मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड नहीं भैया ये तो. डिस्ट्रॉट, डीपली अपसेट एंड एजुकेटेड. अच्छा, बहुत ही ज़्यादा परेशान होना, चिंता में होना. आगे देखते हैं. हैविंग बीन कॉट डूइंग मिस्चीफ. अच्छा, द स्टूडेंट्स बेयर फ्रॉम स्कूल. अच्छा, मतलब कुछ ऐसा वो लोग कारनामा कर रहा था जिसके वजह से उसको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया. देखिए एक्सपेल्ड और रिमूव, ए बी. ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला. द मिनिस्टर वाज डैश व्हेन हिज स्कैंडल वाज रिवील्ड टू द वर्ल्ड. अच्छा, जब दुनिया में उसके स्कैंडल, जो भी मतलब उसका स्कैंडल था, स्कैम था, जो भी उसका मतलब था ना, जो भी गलत वगैरह वो किया था, तो जब वो डिस्क्लोज हो गया, रिवील हो गया, दुनिया के सामने आ गया, उसका जो भी काला चिट्ठा या जो भी पोल खुल गया, तो उसके बाद मिनिस्टर अप्लॉड, कोई ताली क्यों बजाएगा, अप्लॉडेड. ठीक है. एम्बैरेस्ड, असेम्ड, असेम्ड और एम्बैरेस्ड. ठीक है ना, मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा. ठीक है ना, असेम्ड और एम्बैरेस्ड, बी सी. चले सही है. तो हमारा जो इंग्लिश है वो खत्म होता है. अब इसके अलावा हम लोग डायरेक्ट मूव करेंगे कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर करने के बाद मतलब कंप्यूटर में आप लोग बस जो मुझे आएगा, एक्चुअली मुझे याद भी नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर आता है, तो देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं इसमें. ठीक है, जीए को हम लोग टच नहीं करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द एचटीएमएल. एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज. नहीं, डीटीपी नहीं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, ये नहीं है, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं. इट इज अ पार्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नहीं, यूज टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स. ये होना चाहिए. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नहीं, हमारा ये होना चाहिए. देखिए सही है. ठीक है, हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है. द कोड दैट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज टू परफॉर्म देयर डेटाबेस टास्क इज रेफर्ड टू एज एसक्यूएल. स्ट्रक्चर्ड, हाँ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए इसका. स्ट्रक्चर्ड कौन सा लैंग्वेज होता है? क्यू का मुझे फुल फॉर्म नहीं पता चल रहा है, याद नहीं आ रहा है. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है ना, सही है. आगे देखते हैं अगला. इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज दैट आइडेंटिफाइज रो इन अ टेबल. टेबल में रो कौन बताता है भैया? सुपर की. आगे देखते हैं अगला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल. आगे देखते हैं अगला. ये सब जो है ना आपका, ये सब कोडिंग वाला होता है. ये जो हो गया ना, ये सब कोडिंग होता है. ठीक है ना, जावा वगैरह, पाइथन वगैरह. अब उसके अलावा कैड स्टैंड फॉर सी ए डी. इसका मतलब होता है ना हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन. कैड आप लोग सुने होंगे, जो 2D 3D वगैरह बनता है ना,
या तो आप लोग ऑटोकैड सुने होंगे। ऑटोकैड जो होता है ना, वो एक तरह का मतलब सब्जेक्ट होता है या एक तरह का कोर्स वगैरह होता है या एक तरह का मतलब ग्राफिक वगैरह से रिलेटेड ये सब समथिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑटोकैड, कैड बोलने का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सही है। आगे देखते हैं अगला, ईप्रॉम। अब ईप्रॉम मतलब ऐसा सवाल पूछेगा भाई, फुल फॉर्म इसका। ईप्रॉम बोलने का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, लिनक्स इज अ टाइप ऑफ, ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज वगैरह हो गया, मैक ओएस वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा शेयरवेयर ओपन सोर्स, सही है। आगे देखते हैं अगला, व्हेन यू इंटर टेक्स्ट इन अ सेल इन एक्सेल इट ऑल्सो अपीयर्स इन फॉर्मूला बार। बिकॉज होता क्या ना, एक्सेल वगैरह में आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड कुछ ऐसे करने पड़ते हैं आप लोगों को ऑपरेशंस, सिंपल से कर सकते हैं, कुछ हम लोग कंप्यूटर ऑपरेशंस कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो जिससे आप लोगों को मतलब डायरेक्ट वहाँ पे उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो दिख सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बार पे वो आता है, स्टेटस बार पे आएगा नहीं, रो हेडिंग पे आएगा नहीं, नेम बॉक्स इस पर क्यों आएगा, वो तो मतलब वहाँ पर तो आपका जो नेम बॉक्स पे जो नेम रहता है, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे वो रहता है ना। आगे देखते हैं अगला, देखिए द डाइस इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टू द सेल ए वन इन एम एस एक्सेल। अच्छा, एम एस एक्सेल, अच्छा देखिए, कंट्रोल प्लस होम, ए वन बोलने का मतलब हमारा हो जाएगा कॉलम ए, ए बोलने का मतलब कॉलम ए हो जाएगा, कॉलम, ठीक है। और वन बोलने का मतलब रो वन, कॉलम ए रो वन, इसका मतलब हमारा कंट्रोल प्लस होम होना चाहिए क्या, सही है। डायरेक्ट अगर हम लोग कंट्रोल प्लस होम डालेंगे ना, तो डायरेक्ट हम लोग का रो वन पे चला जाएगा और कॉलम ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर मार्क। वाटर मार्क इज अ घोस्ट टेक्स्ट, ठीक है, काफी ईजी है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं अगला, कुछ एक्स्ट्रा चेंज हो गया क्या, नहीं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये जो नंबर सिस्टम टाइप का जो रहता है ना, इसे थोड़ा सा मैं दूर ही रहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दूर, इसमें थोड़ा सा कुछ कर दिया जाएगा, नहीं थोड़ा सा इसमें मतलब दूर ही रहता है भाई, छोड़ दीजिए इसको, क्या जरूरी है सब करना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs, ठीक है, आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, वो IC, वो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब आया था उसमें हम लोगों को देखने को मिला था, सही है। आगे देखते हैं अगला, विच द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए इसका मुझे अभी आंसर नहीं पता है भाई, ठीक है ना, ये कुछ ज्यादा डिटेल में चला गया। आगे देखते हैं अगला, 1024 KB, 1024 KB बोलने का मतलब 1 MB, ठीक है। विच द फॉलोइंग टूल्स कैन बी इफेक्टिवली यूज टू कलेक्ट फीडबैक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स इन एन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। OBS सॉफ्टवेयर, नहीं OBS पे तो अभी हम लोग एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। अब उसके अलावा YouTube, नहीं Google Forms, MS Word, both one and two, देखिए Google Forms होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कई बार आप लोगों को टीचर वगैरह भी अगर कुछ आपसे करवाना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को मतलब Google Form पे दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसे फिल करके देना होता है, तो वो होता है Google Forms, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर। रैंसमवेयर होता है, ठीक है, मालवेयर नहीं होगा, ये सब तो वायरस वगैरह का है ना, स्पाईवेयर नहीं होगा, एडवेयर नहीं होगा, नॉट दिस, रैंसमवेयर। आगे देखते हैं अगला, ये सब काफी कॉमन चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ, फ्लैश मेमोरी हमारा किस चीज का बना रहता है, फ्लैश मेमोरी जो है वो हमारा साथ ही प्रॉम्प्ट करता है, सही है। आगे देखते हैं अगला, विच ऑफ द टास्क इज डन बाय VLC मीडिया प्लेयर, ये मतलब वीडियो चलाता है, VLC मीडिया प्लेयर जो है ना वो वीडियो के लिए जाना जाता है, वीडियो का ऐप है, सॉफ्टवेयर है जो भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल, वोलेटाइल बोलने का मतलब जो नष्टवर हो, जिसे मतलब हटाया डिस्ट्रॉय किया जा सके, तो वो हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं, 32-bit एड्रेस बस अलाउज टू अ टोटल मेमोरी ऑफ अ CPU, ये मुझे नहीं पता, छोड़ देते हैं, ठीक है, ये नहीं पता। आगे देखते हैं अगला, अ डैश यूजर्स प्रेशर एज अ यूजर प्रेसेस इट विद अ स्टाइलस टू सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। टच पैड नहीं होगा, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक टैबलेट, उस पर तो मैं अभी लिख रहा हूँ, मतलब एक तरीके की ग्राफिक टैबलेट, ये जो राइटिंग पैड होता है ना, डिजिटल राइटिंग पैड, ग्राफिक टैबलेट नहीं होगा, ट्रैक पैड नहीं होगा, टच पैड, ट्रैक पैड, कीबोर्ड नहीं होगा, ट्रैक पॉइंट भी नहीं होगा, टच पैड नहीं होगा, मेरे ख्याल से ट्रैक पैड होना चाहिए, टच पैड, सॉरी इसमें टच पैड हो रहा है। अच्छा आगे देखते हैं अगला, व्हाट इज द साइज ऑफ IP वर्जन 4 का जो साइज है वो 32-bit होता है, सही है। IP वर्जन 6 इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ IP वर्जन 4
एड्रेस, व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी वर्जन 6, इसका होता है 128 बिट, सही है। आगे देखते हैं, अगला 32 हो गया, 64 हो गया, उसके अलावा फिर हमारा 128 हो गया। विच इज द फॉलोइंग होल्ड्स दिस रॉम सीपीयू, ये हमारा मदरबोर्ड पे रहता है भैया, ऐसा सवाल। ऑक्टल नंबर 12 इज इक्वल टू डेसिमल नंबर, नहीं पता मुझको, नंबर सिस्टम से दूरी रहते हैं, ठीक है ना। नेम द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन विया टेलीफोन लाइन्स, मॉडम, डी, कहाँ गया, देखिए हब नहीं होता है, स्विच नहीं होता है, रिपीटर नहीं होता है। रिपीटर होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई रूटर है, उस रूटर से अगर आप लोग किसी और रूटर में ऑपरेट करना चाहते हैं उसी सेम सिग्नल से, वाईफाई वगैरह का जो है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोगों को एक डिवाइस आता है रिपीटर, जिसे आप लोग मतलब उसके कनेक्ट करना होता है, तो वो उसी वाईफाई को मतलब उसमें भी ऑपरेट कर देता है, मतलब चला देता है, रन कर देता है, एक्सेस कर देता है। ये हमारा मॉडम होगा, तो मॉडम का हमारा क्या बोल रहा है, डी, सही। आगे देखते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ फायरवॉल फॉर योर लैन, इंक्रीज एक्सेस टू इंस्टेंट मैसेजिंग, इसे कर लेना, स्ट्रिक्टर एक्सेस कंट्रोल टू क्रिटिकल रिसोर्सेज, एकदम सही बात है ये, ग्रेटर सिक्योरिटी टू योर लैन, सही बात है, बोथ 2 और 3। आगे देखते हैं, विच द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स यूज ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, प्रिवेंटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम एनी डैमेज, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स, फास्ट वेब ब्राउजिंग, प्रिवेंटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, फायरवॉल तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना, उसका हार्डवेयर क्यों मतलब बचाएगा, ये प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा। आगे देखते हैं, अगला, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक जो कि अभी मेटा के नाम से जाना जाता है, एपिक, लिंक्डइन, स्काइप, ट्विटर, एपिक जो है ना वो हमारा एक तरह का वेब ब्राउजर है, ठीक है, इंडिया का पहला वेब ब्राउजर है एपिक, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। व्हाट इज यूज टू क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, पिक्चर, एन ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम, देखिए इसका होता है हाइपर लिंक, ठीक है ना, लिंक बोलने का मतलब लिंक, लिंक लिंक हाइपर लिंक। आगे देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन, 8, 7, 9 नहीं आया था, विंडोज 10 एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, उसके अलावा विंडोज 98 वगैरह जो था, ठीक है ना, 97 हो गया, 9 नहीं आया था, 9 मतलब जो है 7 आया, 8 आया, उसका डायरेक्ट 10 आ गया, उसका अभी 11 आया हुआ है, जो कि बहुत ही खराब है भैया, बर्बाद है वो पूरा। विच द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन डेटा इन टू कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, अच्छा मोशन डेटा, मॉनिटर नहीं होगा, मॉनिटर इनपुट डिवाइस थोड़ी है भाई, आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, बोथ 2 और 3 नहीं, इसका हमारा ट्रैक बॉल होना चाहिए, सही है। आगे देखते हैं, अगला, विच द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। आगे देखते हैं, अगला, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपेयर ऑप्शन इन एमएस वर्ड, अच्छा कंपेयर करता है ये टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स को, सही बात है बिल्कुल। विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, अच्छा इनपुट और आउटपुट, प्रिंटर, कीबोर्ड, नहीं प्रिंटर नहीं, प्रिंटर तो मतलब बस प्रिंट करता है, अगर स्कैनर रहता है तो स्कैनर सिर्फ और सिर्फ स्कैन करता है, अगर मान लीजिए 2-in-1 रहता है स्कैनर और प्रिंटर, तो उसके हम लोग उसको हम लोग कह सकते थे कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, बट वहाँ पे वो गिवन नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि मल्टी प्रिंटर जो होता है ना, मल्टी टास्किंग जैसा या मल्टी फंक्शन, और कीबोर्ड नहीं होगा, ये तो बस इनपुट के लिए है, नेटवर्क कार्ड्स, पॉइंटर नहीं होगा, पॉइंटर नहीं, नेटवर्क कार्ड्स होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन इन टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, अच्छा एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें जो सेंट्रल अलाइनमेंट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस ई से, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं जब पीपीटी वगैरह बनाता हूँ ना, ये जो भी, तो मुझे उसका आइडिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला, ज़्यादा मूव हो गया क्या, नहीं किया। विच द फॉलोइंग मेंशनड ऑप्शंस इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एमएस ऑफिस, अच्छा एमएस ऑफिस में बेसिक सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है भैया, ठीक है, मेंशनड ऑप्शंस इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एमएस ऑफिस, देखिए एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला, ये क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग, अच्छा मैच द फॉलोइंग ऐसे करके मैच करना, देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा हो जाता है प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा फ्लैश मेमोरी है क्या, स्टोरेज डिवाइस हमारा स्टोरेज डिवाइस रॉम है क्या, रीड ओनली मेमोरी, अब उसके अलावा हमारा, अच्छा इनपुट डिवाइस हमारा इनपुट प्रिंटर है क्या, इनपुट नहीं आउटपुट है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हमारा टच स्क्रीन हो जाएगा, टच स्क्रीन बोलने का मतलब ए क्यू बी एस सी पी डी आर, अच्छा ए क्यू बी एस सी पी
AQBSCP प्रोसेसिंग डिवाइस, रॉन्ग, स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी, नहीं उल्टा है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। इनपुट डिवाइस हमारा, हाँ इनपुट हमारा हो जाएगा टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा हो जाएगा रॉम, हाँ सही बात है, रीड ओनली मेमोरी, स्टोरेज हो जाएगा हमारा फ्लैश मेमोरी, और उसके अलावा ये हमारा हो जाएगा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, ठीक है। इसका हमारा जो ये ऑप्शन है ना, ये सही है, ये बी वाला हो जाएगा सही, नीचे में दिया है क्या, इसका हमारा बी वाला साथ सही है, चले बी सही है हमारा। आगे देखते हैं अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम, अलाउ यूजर्स टू स्टोर मल्टीपल गीगाबाइट, सही बात है, जितना भी गीगाबाइट रहेगा ना उसमें, जितना भी जीबी का रैम रहता है उससे थोड़ा सा वो कम तो मतलब स्टोर उसमें कर ही लेता है, ठीक है, मल्टीपल गीगाबाइट्स, डेटा रिमेंस इवन आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट, गलत बात है। रैम में क्या होता है ना कि जब भी आप लोगों का अगर पावर फ्लक्चुएट हो गया, पावर कट गया, किसी भी तरीके से ब्रेक हो जाता है ना, तो वो मतलब वो खत्म हो जाता है। या ऐप वगैरह भी अगर आप लोग मोबाइल में भी यूज करते हैं, जहाँ ऐप होता है मतलब जिसमें ऐप वगैरह होता है ना मोबाइल वगैरह में, एंड्रॉइड फोन हो गया या कोई भी, उसमें अगर आप लोग डिवाइस को ऑफ कर देते हैं तो वो सारा का सारा जो भी आपका वर्किंग मतलब ऐप्स था ना, जो मतलब आपका उसे क्या बोलते हैं, होम वाले में बोलते हैं क्या, जो भी मतलब ओपन रहता है ठीक है, तो वो आपका खत्म हो जाता है, तो इज नॉट अ फीचर ऑफ, ये होगा ठीक है, सही है। आगे देखते हैं, अच्छा, इट कैन बी एक्सेस बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही बात है, कैन बी रीड, इरेज और मॉडिफाइड, सही बात है, डेटा इन दी रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली, बहुत बार उसे एक्सेस किया जा सकता है, सही बात है, लेकिन जब ब्रेक नहीं होगा तब, जब पावर कट नहीं होगा तो, ठीक है। विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT आर नोन एज व्हाट, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो चलिए हम लोगों का जो पेपर था वो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा करवा दिया, मेरा इसमें नंबर तो बिल्कुल जीरो आएगा बिकॉज मैंने पेपर को सबमिट करके करवाया है, ठीक है ना, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था जो भी था, और उसके बाद बात क्या है ना कि आप लोग ट्राई करें कि आप लोग एग्जाम में अगर अटेम्प्ट करें पेपर को तो इसी सीक्वेंस में करने की कोशिश करें जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और तो अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम का ग्रुप आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं स्टूडेंट से मतलब खुद सेल्फ कनेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, और उनका जो भी डाउट वगैरह होता है मैं उसे सॉल्व करने का पूरा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।